This conference will now be recorded. गुड आफ्टरनून, गायकी का आज फोन काम कर रहा है ना? यस सर। ग्रेट। तो चलें शुरू करते हैं। आई थिंक एवरीबॉडी इज देयर। आइंस्टाइन, इन्हीं से हमने ये चैप्टर शुरू किया था, याद आ रहा है? तो अब जो हमारा अगला चैप्टर आएगा, दैट इज गोइंग टू बी ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी हमने टच करना है, और वो इसके साथ ना एकदम मर्ज ही हो जाएगा, राइट कपूर? तो डू यू रिमेम्बर लास्ट सेशन, पॉली, ऑफबाउ, होनसुल, इनसे चलते हुए हमें कॉन्फ़िगरेशन में आए थे। कॉन्फ़िगरेशन में दिस ऑर्बिटल एनर्जी लेवल जो कि ऑफबाउ सर ने बताया था वो हमें जरूरी था, और हमने इसमें से होते हुए कुछ कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर काम किया था, राइट आन्या? हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम एंड सो ऑन। आई होप एवरीबॉडी नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू राइट इट। वी ऑल्सो वर्कड ऑन सम एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये ना आपकी चुभ नॉलेज होगी, जितना जितना आप आगे बढ़ते चले जाएंगे उतना आप सीखते चले जाएंगे बेटे। तो धीरे धीरे करके आपको एक लिस्ट बनानी होगी और अपने आप बन जाएगी, उसके लिए कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा जो एनोमलस कॉन्फ़िगरेशन आएगी, बस उसको लिखते जाना। जैसे अभी आपने जैसे कॉपर, क्रोमियम, सिल्वर एंड गोल्ड लिखा होगा, है ना जी? ग्रेट। सो ये हमने अभी शुरू नहीं किया था, अभी के लिए कॉपी मत करिएगा, अभी सिर्फ ध्यान दीजिएगा। तो IUPAC कहता है कि जब आप कोई भी नया एलिमेंट डिस्कवर करेंगे, आप मतलब जो भी साइंटिस्ट इसको डिस्कवर करेगा, तो जब तक मैं मतलब IUPAC उसका फॉर्मली नाम नहीं रख देता है, तब तक कोई भी उसका नाम नहीं रख सकता है। तो उनको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। IUPAC says, till it officially name any new element discovered, everyone will follow following system. मतलब बात समझ आ गई? सिर्फ IUPAC के पास ये right है कि वो compound का, sorry, element का नए का नाम कर सकता है। इसमें देवांशी वो one को बोला बेटा un, UN, two is known as bi, three is known as tri, quad, pent, hex, sept, oct, in, handle. Do you people understand? First word, U इसका symbol बन गया, bi इसका symbol बन गया, tri इसका symbol बन गया, T, quad से Q, pent से P, hex से H, S, sept, oct, in और nil. Let's practice it. Let's practice it. अंशुल बात करेंगे आप हमारे से? अंशुल बेटे, one को we are going to call un, right? सामने से देखो, अपने आप याद हो जाएगा। And zero को क्या बोल रहा है अंशुल? Nil. Nil. मैंने यहाँ पे different color use किया, आपने different color use नहीं करना है, आप तो एक ही pen से लिखेंगे, मैं तो आपको समझा रहा हूँ। And इस zero को क्या बोलेंगे आप? Un. और कहते हैं सबके पीछे पूंछल खिंच जाएगी, ईएम, ईएम, देखो सब में पीछे क्या लग रहा है, ईएम। फॉर एग्जांपल बेटे 105, हेलो सर, एक चीज पूछनी थी। हाँ प्रभाकर सर, ये सेकंड वाले जीरो को उन क्यों बोला, उसको नील क्यों नहीं बोला? मैंने तो नील बोला उसको सर। नहीं, जो सेकंड वो आया, सेकंड नंबर पे आया, ये वाला, इसके बाद वाला सर, उसको नील बोलना था गुड़िया, वो मिसप्रिंट हो गया, ठीक है? नील और ईएमई बोलना था, हाँ गुड़िया वही बोलना था, वो गलती से लिखा गया बेटे, ठीक। तो अब मेरे साथ रहा बेटे, क्वेश्चन पूछा था मेरे साथ रहा, दो चार क्वेश्चन करते हैं मिलके, है ना? ओके, तो वन इज गोइंग टू बी नोन एज उन, नील, पांच को पेंट और ईएम, उन, बाई एंड थ्री, तीन को ट्राई। तो देख, ट्राई, ईएम, पहले वाला वॉवल खा लिया गया, राइट प्रभाकर? यस सर।
136 दिस इज उन ट्राई एंड हेग्स ईएम समझा yes, दो चार और बना चलिए अंशुल को अनम्यूट करते हैं अंशुल दोबारा आइए अंशुल देख मैंने दोबारा गड़बड़ी की होगी उन निल निल उन ईएम और सिंबल क्या बनेगा वन से यू जीरो के लिए छोटा एन और वन से यू छोटा समझ आया यस सर ऐसे ही हाइपोथेटिकल लिखते हैं बेटा सारी प्रैक्टिस हो जाएगी 3 6 8 जो कुछ नहीं समझ आता मेरे से पूछ लीजिएगा तीन को ट्राई गुड सिक्स को हेक्स एट को ऑप्ट एंड ईएम yeah do you understand yes sir so that is the way we can write atomic number of any substance and any new element which we are discover and yaad rakhna jab IUPAC iska naam rakh dega tab ye kahani khatam ho jayegi for example chug abhi tak IUPAC 118 tak nomenclature kar chuka hai right हमारे पास yes, 118 एलिमेंट तक डिस्कवर्ड है तो अगर आपने कल को कोई भी एलिमेंट डिस्कवर किया आपने जो नाम रखना है बेटा आपने वो जो हमने अभी किया था आपने वो नाम उसके बेसिस पे रखना है ठीक अब चुप एक बात देख वही चीज है बेटे बार बार आपकी आंखों के आगे लेके आ रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं आप लोगों को समझाया गया था ये एक ऑफ बाउ प्रिंसिपल था है ना और ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने में हमारी और ज्यादा मदद करनी शुरू कर देता है ना तो ये कहते हैं कि अगर आप जरूरत पड़ी तो जैसे हमने तो आपको 7s तक कराया था 7s 5s 6d जिस दिन जरूरत पड़ी आप 8s 7 के नीचे 6f 7d 8p को वैसे ही एक्सटेंड कर देंगे बेटे और अगर मैजिक नंबर 32 ऐड होगा तो 118 बनेगी and this will be the next noble gas 118 ko abhi abhi anshul ne kya bola un un oct em will be the next noble gas do you understand agar 120 yes. ka bolna hai to aapne kahan se shuru karna hoga yahan se shuru karna hoga right ha very last sir doubt hai ek minute agrim se baat karte hain anuj abhi aap se baat karta hu bete ha agrim bolo सर ये जो हमने नेम अभी किए हैं उन उन ऑक्ट वगैरह ये जो है सर ये सिर्फ उनके ऊपर ही डिपेंड करते हैं ना जो जिनका एटॉमिक नंबर 100 के ऊपर है हाँ सर क्योंकि उनसे नीचे को तो नाम रख लिए गए ना सारे ओके सर अब आप जब भी कोई नया एलिमेंट डिस्कवर करेंगे 118 तक तो हो गए ऑब्वियसली 118 के बाद ही करेंगे तो उनका नाम इस सिस्टम से रखा जाएगा वो भी कब तक ये टेम्पररी नाम है जब IUPAC उनका नाम कर देगा सो दैट इज गोइंग टू बी ओके आप इमेजिन करिए आपके रिश्तेदारी में कोई छोटा बेबी है बिल्कुल अभी पैदा हुआ है तो हम उसको छोटू हम उसको कुछ भी नाम से बुला लेते हैं है ना और थोड़ी देर के बाद जब उसका परिवार उसका नाम रख देता है सो दैट इज गोइंग टू बी हिज और हर फाइनल नेम अग्रिम क्लियर है यस सर गुड चुग आप कुछ पूछ रहे थे बेटे फिर इसमें 5G नहीं आएगा 8S से पहले 5G आता ही नहीं है 5G यूज ही नहीं होगा अगर आप करना चाहेंगे तो आप एक काम करिएगा आप मुझे बताइए 5G के लिए अभी करते हैं 5G के लिए 5 और L की वैल्यू क्या है बोलो P हां जी 9 चल तो जब वो उसकी जरूरत पड़ेगी तो उसको वहां पे ठूसा जाएगा बट अभी के लिए हमें उसकी जरूरत नहीं है ठीक है राजा बट हाँ जब जरूरत होगी तो उसको डेफिनेटली डाल देंगे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है चुप इसको कॉपी कर ले इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि ये हमारा खराब ना हो 8 प्लस बेटा 5G यूज नहीं हो रहा ना ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है बेटा जब भी होगी डेफिनेटली जो भी आप रूल कह रहे हैं वैसे ही आएगा मैंने आपको 4 ब्लॉक के मुताबिक कराया है बट प्लीज अभी के लिए ये सिर्फ एक इमेजिनेटिव थॉट है बेटा समझ गया यस इमेजिनेटिव थॉट आई होप यू अंडरस्टैंड बिकॉज हमारे पास 118 से ऊपर एलिमेंट ही नहीं है मेरे दोस्त चल अब मेरे साथ रहे अब आपसे प्रैक्टिकल काम करवाते हैं राइट
चुप जी, आप मेरे साथ, मैं आपको कोई एलिमेंट देने वाला हूं। अब हम आपसे पूछते हैं एलिमेंट 112, इसका नाम क्या होगा? उन उन बायम बायोटिन। वेरी गुड। इसका सिंबल क्या होगा? यू यू बी। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, कहां से शुरू करेंगे? राडन। यस, इट इज 7s2 6d 5a4। यू आर राइट, बट मैं सीक्वेंस में जा रहा हूं। यू बिल्कुल राइट बोला। 5a4 6d10। यस देख बन गए, ये हो गए 112 हो गया। अब उसके बाद इसको कैसे सेट करना था? सबसे पहले 5a14 6d10 7s2। आप जो बोल रहे थे बिल्कुल ठीक बोल रहे थे राजा, जब जरूरत पड़ेगी तो उसको मैं n प्लस l के मुताबिक ही सेट करने वाला हूँ। गुड, गायकी आप करवाएंगे। 118 रेड ऑन। यस सर। वो चुगल का 7s2। यू राइट, ये काम किया होगा ना, तो इसी से आगे ले लेते हैं। हाँ यस सर। तो दिस इज 7s2, ये हो गए 112। इसके बाद किसका नंबर लगेगा गुड़िया? 7p6। ये हमारी जो नेक्स्ट नोबल गैस है वो बनेगी। इसका नाम क्या होगा बहन? उन ऑक्टियम। UUO। यस। मैं इसको यहाँ पे रख रहा था, UUO एंड 118। Is it okay? आगे जा सकते हैं? Yes, sir. हम मॉडल के बाद, हाँ हाँ। सर, नोबल गैसेस कौन सी ब्लॉक में होती हैं? नोबल गैसेस सिर्फ पी ब्लॉक पे आती है बेटे। पेज नंबर 25 याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं इस करके वापस जा रहा हूँ। तो नोबल गैसेस बेटे तेरे एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे आती है, और याद रखना, आपने पूछा, आपको रिवार्ड मिल रहा है। 118 का नाम रख चुका है IUPAC, उसका सिंबल OG है। ठीक, ये जो नाम रखे हैं ना, ये IUPAC ने फॉर्मली रख दिया है, तो उसका OG उसका नाम है। तो जो नोबल गैसेस सिर्फ कहां पे आती हैं? पी ब्लॉक में आती हैं। और अभी ये क्वेश्चन हम आपको पता कहां पे बताएंगे? पीरियोडिक प्रॉपर्टी में हम आपको बताएंगे हाउ टू असाइन ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप नंबर। बेटे बस तकरीबन 3 दिन में ये आपको बता दूंगा, 3 लेक्चर के अंदर अंदर। ठीक है? यस। हमारी अमोदनी कहाँ है? यहाँ पे नहीं है। चलिए देवांशी पुन्यानी, आप अनम्यूट होते हैं। देवांशी, एटॉमिक नंबर 120 को बेटे कैसे लिखेगा? उन बाई, यस देवांशी, मिल ईएम। सिंबल क्या होगा? UBN। और इसको गायकी आप अनम्यूट हो रही है, देवांशी के साथ माइक काम नहीं कर रहा है। Yes, UBN को कैसे लिखेगा? UUO। और याद रखना, मैंने गलती की है, मैं सुधार रहा हूँ उसको। इसको नोबल गैसेस को गुड़िया हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता है, और उसके बाद क्या बोलेगा? 8s2 बोलेगा। ठीक है? और yes, अगर मैं बात बोलूं कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन अब शुरू होती है ना कि खत्म होती है, सो डोंट बी सरप्राइज्ड। मैं आपको बता चुका था इसको लास्ट शेल बोलते हैं, हाईएस्ट प्रिंसिपल शेल को। इसको बोल रहा पेनल्टीमेट, ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था? यस सर, बताया था। शेल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? एंटी पेनल्टी। यस सर, समझ आ जाएगा। आगे चल सकता yes, हूँ राइट right. चलिए उत्कर्ष, आपसे बात करते हैं, आपको एक नई चीज सिखाते हैं बेटे। राइट उत्कर्ष? उत्कर्ष, अब मैं आपको कोई नई चीज सिखाने वाला हूँ, पहले देखते हैं फिर हम दोबारा इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक बेटे? एक सब्सटेंसेस होते हैं, उनको बोलते हैं, याद नहीं करना बेटा, अपने मन को एज अ कैमरा यूज कर, डायमैग्नेटिक और पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। यू आर लर्निंग न्यू थिंग, ओके? डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस।
चुक, ये जो डायमैग्नेटिक होते हैं ना, दे आर वीकली, क्लास नोट्स में वीकली को ऐसे लिख जाऊंगा, ठीक, थोड़ा शॉर्टकट के लिए, दीज आर वीकली, पढ़ के बता बच्चे, रिपेल्ड बाय, पढ़ के बता दो, मैग्नेट, मैग्नेट, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट, वी आर राइट, और ये इस तरफ दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, समझा, ये आपका मैं अभी बिल्ट अप कर रहा हूं, आपको पॉइंट्स बता रहा हूं इनके बारे में, तो इसको वन ही लिख देते हैं, टेबुलेशन में कर रहा हूं ताकि याद रहे, पिपेट, उत्कर्ष, उत्कर्ष, डायमैग्नेटिक हैज ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल बच्चे O-2 को कैसे लिखेगा, 1s2, 2s2, 2p6, yes. अगर तो ऐसे लिखता तो भी तो चलता ना, p में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो देख ये तीनों में इसको पेयरिंग बोलता है, ये पेयर हो गया, ये भी पेयर हो गया और ये भी पेयर हो गया, these have all which electron, paired electron, for example paired. Let it be calcium, calcium कैसे लिखता है, argon 18 4s2, क्या आप इसी से समझ पाएंगे, जब noble gas आ रहा है, noble gas तो सारे का सारा वैसे ही भरा हुआ है ना कपूर, so that is the पूरा field है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, diamagnetic substances, paramagnetic substances में इधर ध्यान दीजिएगा, these have या has unpaired electrons, right? ऐसे ही रट्टा मारने के लिए चंडीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी, सिर्फ मेरे और आपके बीच में, P का मतलब पैरा, U का मतलब unpaired, पंजाब यूनिवर्सिटी, पैरा हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख पिपेट, हम नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बेटे, नाइट्रोजन क्या होता था, 1s2, 2s2, 2p3, तो 1s में ऐसा पेयर्ड हो गया, 2s में क्या हो गया, पेयर्ड हो गया, और p3 में क्या आ गया, 1, 2 और 3, क्या आप समझ पा रहे हैं, क्या आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देख पा रहे हैं, लेट इट बी, और लिखते हैं, आयरन प्लस 3, आयरन को लिखते हैं बेटे, आयरन क्या होता है, 26, अभी ना हो सकता है कि आप उतनी जल्दी से ये नाम नहीं निकाल पाते हैं, सीख जाएंगे, आयरन 26 इज आर्गन, आर्गन 18 बोलते रहो, 4s2 3d 36, तो 36 को कैसे लिखेंगे आप, 1, 2, 3, 4, 5, n का मतलब होगा, ध्यान से सुनिए, n का मतलब होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज n, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अग्रिम बात पूरी करिए, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 4, 3, 4, बिल्कुल सही, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर 4, अग्रिम, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, अंडरस्टूड, यस सर, दे हैव कौन से इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड, अनपेयर्ड, व्हाट इज एन, अग्रिम सेम, दैट इज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट, एंड दे हैव ऑल कौन से इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, They have all paired electron होते हैं। चलिए जी, इशिता कपूर, माइक काम कर रहा है बेटे? Yes इशिता, अनम्यूट कर अगर इशिता। तो yes sir। अगर माइक तंग करता है तो बता दिया करो, कोई बात नहीं है। बट अगर करता है तो बात कर सकते हैं, तो प्लीज बात करिए, है ना? For first, गुड़िया, आपको केमिस्ट्री में ना मेरी हैंडराइटिंग की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि केमिस्ट्री में ना हमें बहुत कुछ लिखना पड़ता है, सो दिस इज गोइंग टू बी सन रेड एज ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का सिंबल हम ऐसा बना जाते हैं सिर्फ क्लास नोट्स में, आपको पता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आई थी स्क्वेंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम,
क्रोमियम क्रिप्टन मैंगनीज हाँ आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक द एक मिनट एक पहले एक और चीज बतानी थी द मैग्नेटिज्म चलो लैंग्वेज को चेंज कर देता हूँ द पैरा मैग्नेटिज्म हाँ जी सिद्धार्थ बोलिए प्लीज सिद्धार्थ इज वेरी गुड दोबारा बोलो सर प्लीज रिपीट द नेम्स इन द फर्स्ट लाइन ये वाला फर्स्ट लाइन यस सर सिद्धार्थ बहुत अच्छा कि आपने अनम्यूट हुए हैं चलिए हम पूरा ही दोबारा करते हैं गुड सिद्धार्थ दिस इज वेलकम फॉर यू थैंक यू सर चल सिद्धार्थ आपको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस समझ आ गए बच्चे यस सर दीज हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन द यस सर पैरा मैग्नेटिज्म द पैरा मैग्नेटिज्म इज measured with the instrument ये कोई technical instrument है as well as theoretically please मेरी spelling मत देखना theoretically experiment नहीं करना हमने mathematics के साथ correlate कर लिया बेटे its units are over आप पहली बार सुन रहे हैं मैग्नेटॉन लिखा जाता है इसको बी मैग्नेटॉन मैग्नेट ओ एन मैग्नेटॉन एम ए जी एन ई टी ओ मैग्नेटॉन बोहर मैग्नेट फॉर फर्स्ट इसको बेटे मैंने सिंबल बनाया है ट्रांजिशन सीरीज What is first transition series? जो आपको पिछली क्लास में करा रहे थे एटॉमिक नंबर 21 से लेके कितने तक 30 को फर्स्ट सीरीज बोला जाता है Why transition series? क्योंकि लेफ्ट पे आपके पास मेटल होते हैं राइट पे आपके पास नॉन मेटल्स होते हैं transition series बोला जाता है द मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल है बेटे म्यू कैसे बनाया यू लिखा म्यू और उसकी दी म्यू राइट म्यू यस बाय अंडर रूट एन एन प्लस टू बोहर मैग्नेटॉन व्हाट इज एन सर नंबर ऑफ बोलो नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ठीक yes, sir. ये मैंने लिख दिया था तो इसको काट रहा हूं तो म्यू इज इक्वल एन रिपीटेशन है बोहर मैग्नेटॉन अब मैं कुछ यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखूंगा आप जितने क्वेश्चन होंगे पूछेगा ठीक आयरन 26 इसकी कॉन्फ़िगरेशन बोलिए सिद्धार्थ राइट अब 3d6 है 4s तो भरा हुआ है चिंता करने की गुजरत ही नहीं तो हम 3d6 को देखते 3d6 में सिद्धार्थ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं ये सिद्धार्थ बताइए फोर ये दो तीन चार तो इसके लिए जो आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे 4 × 4 + 2 बोहर मैग्नेटॉन कितना आएगा 24 डू यू अंडरस्टैंड अभी अंडर रूट 24 अंडर रूट 24 अंडर रूट 24 ठीक अभी खत्म नहीं हुआ अभी और चल रहे हैं आगे चल सकते हैं Yes, चलिए आप म्यूट कर सकते हैं साक्षी डबल ई वाले साक्षी ओके बेटे मोस्ट वेलकम कीप ऑन आस्किंग साक्षी इसको आयरन प्लस थ्री ले राइट साक्षी तो ये वाली साक्षी का माइक नहीं करा है दोनों साक्षी बोल सकती है प्लीज बस बोलते रहा करो बेटे तो साक्षी ओझा सी गुड़िया अगर आयरन प्लस थ्री
तो आपने दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकाले? यस सर। एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला गुड़िया, क्या रह गया? यस सर, 3d5। d5 में बहन कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। वेरी राइट, बिल्कुल सही। और इसका 5 5 प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन, कितना मैग्नेटिक मोमेंट आएगा? √35। तो ए और बी में से विच इज मोर पैरा मैग्नेटिक, मैग्नेट की तरफ ज्यादा खींचेगा? बी। बी बिल्कुल सही, क्योंकि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना वो मैग्नेट की तरफ ज्यादा खींचता है। चल सकता हूं आगे? सो लेट्स रीड इट। मैं ये आपको करवा रहा था, दिस इज गोइंग टू बी रिविजन हो जाएगा। तो नमन ऐसे आप भी कोशिश करिए अपना माइक को चलाने का बेटे। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस विच हैव नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, दीज आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। फॉर एग्जाम्पल ओ को देखो, ओ तो पैरा है ना जी, अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे। ओ माइनस टू को देखो बेटे, ये तो डाया है, क्योंकि देखो इसमें ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड है। सो ओ माइनस टू इज गोइंग टू बी विच सब्सटेंस, द डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस। यू रिमेंबर इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज रिमूव फ्रॉम हाइएस्ट पीएस। पीएस का मतलब बेटा याद है ना, मैंने क्या बोला था? प्रिंसिपल शेल। इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज एडेड फॉलोइंग विच द ऑफबाउ प्रिंसिपल। जब आपने भरे थे तो आपने इलेक्ट्रॉन को कैसे भरे थे बच्चों? हमेशा ऑफबाउ प्रिंसिपल यूज किया था। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दीज आर वीकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट। वीकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट। मैग्नेटिक मूवमेंट इज द मेजर ऑफ पैरा मैग्नेटिज्म, एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड, वो एक इंस्ट्रूमेंट है। एंड म्यू थियोरेटिकल, जो टीएच को हम एब्रीवेट कर जाते हैं थियोरेटिकल, अंडर रूट एन एन प्लस टू बोहर मैग्नेटॉन, वेयर एन इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और बेटा पार्टी याद रखना, दिस रिलेशन इज वैलिड ओनली फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। हमें इससे ऊपर का अभी रिलेशन हमने कोई मैथमेटिकली नहीं बनाया है। समझ पा रहे हैं चुक साहब? तो एक बार रिव्यू करने के लिए, क्या आप इस रिलेशनशिप को समझे हो बच्चों? व्हाट आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस? ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, एंड हियर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पेयर्ड, इनमें वन और मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम एंड फॉर एग्जाम्पल दिस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली, जी बेटा बोलो, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, और दीज आर बोलिए बोलिए वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट। वेरी गुड, बाय सिर्फ मैग्नेट के कौन से रिपेल होते हैं और अट्रैक्ट होते हैं? दोबारा बोलो, सिर्फ मैग्नेट के कौन से पोल से अट्रैक्ट होते हैं और कौन से रिपेल होते हैं? दोनों की तरह से बेटे, इनके अंदर जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा ना चुप, उनके अंदर सबके अंदर एक नॉर्थ और एक साउथ पोल भी होगा। तो मैं एक चीज समझाता हूँ और सुन, ये मेरी केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है बेटे, ठीक है जी? जब मैं ऐसा बोलता हूँ ना मेरी केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, तो मैं ज्यादा नहीं जानता होता, क्योंकि मैं केमिस्ट, तो मैं केमिस्ट्री पार्ट पे जानता हूँ, तो आपके फिजिक्स टीचर वो फिजिक्स पार्ट से ज्यादा जानते होंगे। तो सुन, ये जो मैग्नेट होता है ना, तो मैग्नेट कैसे बनता है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स या तो क्लॉकवाइज स्पिन कर सकता है या कैसे स्पिन कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने देखा, ध्यान से सुन ये प्लीज, दिस इज नॉट केमिस्ट्री, ओके, आई एम कमिंग आउट ऑफ केमिस्ट्री, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज ऑफ आपने इंटरेस्ट दिखाया था। जब एक चार्ज सब्सटेंस दूसरे चार्ज सब्सटेंस के आसपास घूमता है तो वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियस, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये दोनों बंधे हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी ये दोनों एक दूसरे के आसपास घूमेगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक मैग्नेटिक फील्ड जन्म लेगा।
हमेशा जन्म लेगा। आपके पंखे के अंदर भी वही काम हो रहा है, आपकी जितनी भी मोटर्स है उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अपने आप जन्म लेता है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इनसेपरेबल, दैट इज लाइक हेड्स एंड टेल, हमेशा इकट्ठे चलते हैं। अब चुग इलेक्ट्रॉन दो ही प्रकार से स्पिन कर सकता है बेटे, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम ऐसे ही आपको समझाने के लिए क्लॉकवाइज को नॉर्थ पोल ले लूं और एंटी क्लॉकवाइज को साउथ पोल ले लूं, तो अगर आपके पास ऐसा ऑर्बिटल है, ये मैग्नेटिक होगा, ये मैग्नेटिक होगा, ये मैग्नेटिक होगा, ये सारे शायद नॉर्थ या साउथ एक्ट करेंगे। बट अगर मैं अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा डालूंगा, अब इसका नॉर्थ इसका साउथ आपस में क्या हो गया बेटे, खत्म हो गया। अब ये नॉर्थ और ये साउथ, अभी ये मैग्नेटिक है, अगर ऐसा डाल दूंगा तो ये भी अब जोड़ा मैग्नेट की तरफ नहीं अट्रैक्ट होगा। अगर ऐसा डाल दूंगा तो अब ये पूरा मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। ये आप फिजिक्स में मोस्ट प्रोबेबली प्लस टू में जाके, मॉडर्न फिजिक्स में जाके करने वाले हैं। एंड सॉरी आई एम अ केमिस्ट, सो मेरी डोमेन उससे ज्यादा बेटा है नहीं है। तो आगे जा सकता हूँ, अगर वो पेयर ही हो जाए। हाँ बोलो बोलो। सिर्फ उसमें पेयरिंग पूरी होगी तो रिपेल क्यों होएगा वो मैग्नेट से? मैग्नेट की तरफ वीकली अट्रैक्टेड होता है। मैंने बोला आई एम नॉट अ फिट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन मेरे बच्चे, ठीक। ये फिजिसिस्ट के फील्ड है, हम एग्जैक्टली उसी तरह जाएंगे। मैं तो आपको भी केमिस्ट्री की तरफ मोड़ रहा हूँ भाई सर, ठीक। सो मैथमेटिकल और फिजिक्स में उससे ज्यादा जा नहीं सकता, मेरी नॉलेज ही नहीं है ना मैं जाना चाहता हूँ। आप कुछ ऐसे हैं कि आप किसी डेंटिस्ट से पूछ रहे हैं कि आप हमें न्यूरोलॉजी के बारे में बताइए, या न्यूरोलॉजिस्ट से पूछ रहे हैं कि आप हमें डेंटिस्ट्री के बारे में बताइए। समझ पा रहे हैं? यस। सो आई एम नॉट अ फिट पर्सन टू आंसर दिस पार्ट। आप लोगों को ये मिल गए थे ना? यस। ठीक है जी। हेलो, क्योंकि एक क्वेश्चन में गलती थी, कौन सा में थी यार? सिर्फ बताता हूँ, आपने मुझे भेजा था, मैंने इसमें थी या दूसरी वाली असाइनमेंट में थी? सिर्फ चेक करके बताता हूँ मुझे क्यों। बिल्कुल बात, मुझे कहते ये है तो अभी ठीक कर देते हैं, तो हो सकता है वो दूसरी वाली में भी हो। तो बच्चों ये जो मैं आपको भेजता हूँ ना, तो पहले माय डियर फ्रेंड्स इसको कर लिया करो। आई होप आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से ब्रॉडकास्ट हुए हैं, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में, कि बायोलॉजी में से? हेलो, सबसे ज्यादा असाइनमेंट कहाँ से ब्रॉडकास्ट हुई है? हेलो, सुना जाता हूँ सब केमिस्ट्री की सबसे ज्यादा। हाँ तो बेटे जब मैं पहले आपको भेजता हूँ ना मेरे दोस्तों, तो पहले प्लीज उसको एज अ टेस्ट सॉल्व कर लिया करो। फिर जब आप मेरे साथ आते हैं, हालांकि मैं टेस्ट के रूप में भी भेजूंगा, बट फिर मैं उनके ऊपर लिख दूंगा दिस इज अ टेस्ट, ओके। बट जल्दी हम आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते में हम आपका प्लेटफॉर्म लॉन्च कर देंगे। पहले प्लस टू वालों का आ रहा है, फिर आपका आ रहा है, तो आप घर पे बैठे टेस्ट कर पाएंगे। चलिए तो आगे चलते हैं। सो अमोदनी, माइक काम नहीं कर रहा क्या? अमोदनी, द नेक्स्ट टॉपिक इज डूइंग द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। यू नो अब हम कर क्या रहे हैं, अब हम बेसिकली हम चैप्टर में से बाहर आ गए हैं, हम छोटे छोटे चीजों को कवर करने वाले हैं। अमोदनी का माइक काम नहीं कर रहा है, तो आज चलिए कदम तुल्ली का माइक चेक करते हैं। कदम, डज इट वर्क? यस सर। हां जी। तो कदम तुम नई चीज सीखने वाले हो, ठीक है बेटे? ओके। टोटल नई चीज है तो आपको पहले नहीं आता है। आपको पता है ऑर्बिटल का, एटम का कोई डिफाइंड शेप तो होता नहीं? यस सर। तो हम उसके लिए बाउंड्री सरफेस डायग्राम वर्ड यूज करते हैं। बाउंड्री सरफेस क्यों यूज करते हैं? अभी तक न्यूक्लियस तो हमें एक्सरे में पता लग जाता है, दिस इज अ न्यूक्लियस, है ना? न्यूक्लियस डेंस होता है, जब हम इसके ऊपर एक्सरेज मारते हैं टकरा के वापस आता है। बट बाहर वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है, आपको पता ना, हाइजेनबर्ग ने बताया था, हमें पता ही नहीं। तो हम सिर्फ एक अंदाजा लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है, तो उस सर्कल को हम उस एरिया को हम इनक्लोज कर देते हैं, उसको हम शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स का नाम कहते हैं। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल को बढ़िया बाउंड्री सरफेस डायग्राम के नाम से भी जाना जा सकता है।
मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूँ कदम, दैट इज नोन एज नोड्स. डिस्टर्बेंस भी बंद कर देना बीच में, ठीक, फिर जब मैं बात करूंगा तो अनम्यूट कर देना. दीज आर नोड्स आर द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो. नोड्स आर द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो. इमेजिन कर ये रहा हमारा सूर्य, ठीक, ये रहा हमारा पहला प्लैनेट मरकरी, और ये रहा हमारा दूसरा प्लैनेट वीनस. मरकरी और वीनस के बीच में कोई प्लैनेट नहीं रहता ना, तो इस रीजन को जहां पे कोई प्लैनेट आने की हमें नहीं है उसको क्या बोलता है, नोड. व्हाट इज नोड? वेयर देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, और वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो. जीरो. चल पहले उसको तो पढ़ लेंगे, वो तो लिखा ही हुआ है, पहले हम आपसे बात करते हैं. तो बेटे नोड समझ आ गया तेरे को? यस सर. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है. नोड्स दो प्रकार के पाए गए हैं. वन इज गोइंग टू बी नोन एज रेडियल और सफेरिकल नोड. रेडियल नोड और सफेरिकल नोड. एंड अनदर इज गुड़िया नोन एज एंगुलर. एंगुलर. प्लीज अपने मन को इमेजिनेशन में लेके जाना जब मैं बोलूंगा. रेडियल नोड दे लाइज ऑन द रेडियस, दैट इज दीज आर फाउंड इक्वी डिस्टेंट. ये मतलब समझता है गुड़िया? यस सर. फ्रॉम द न्यूक्लियस इन ऑल डायरेक्शंस, राइट, इन ऑल डायरेक्शंस. ऑल डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल, अभी कुछ कॉपी मत कर, भी समझाऊंगा. यहां पे न्यूक्लियस है, सेंटर में न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन से इस रीजन में नहीं रह सकता है रेड वाला. तो अगर तू रेड वाले रीजन को देख, तो न्यूक्लियस से मान ले x सेंटीमीटर इधर है, x सेंटीमीटर इधर है, x सेंटीमीटर इधर है, तो इसको क्या बोलने वाला है? रेडियल नोड. रेडियल नोड. ये लाल वाला हिस्सा कुछ रेडियल नोड को बता रहा है. इधर ये दो लाल रीजन मैंने इंडिकेट किए हैं. सो ये इक्विडिस्टेंट आएगा ना न्यूक्लियस से? यस सर. तो दिस इज वन रेडियल नोड. This is going to be another radial node. What are radial node? जो radius के ऊपर रहे और वहां पे nucleus पे रहने की संभावना नहीं है. For example, ये बीच में एक white portion देख. Imagine करिए white portion nucleus से equidistant रह रहा है. इधर ये white portion देख, nucleus से equidistant रह रहे हैं. इसमें मैं आपको दो nodes दिखा रहा हूँ, इसमें आपको कितनी nodes दिखा रहा हूँ? एक नोड दिखा रहा हूं. तो व्हाट इज गुड़िया? रेडियल नोड व्हिच लाइज ऑन द न्यूक्लियस, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस में रहते हैं. जो रेडियल नोड होते हैं, मैंने उसका सिंबल Rn बना दिया है. इट इज गिवन बाय n माइनस l माइनस 1. व्हाट इज n? वेयर n इज प्रिंसिपल शेल क्वांटम नंबर. व्हाट इज l? दूसरे वाला द एंगुलर क्वांटम नंबर पाया गया है. अब दूसरी तरफ चलते हैं, रेडियल नोड की ओर बेटे. सॉरी, एंगुलर. एंगुलर. एंगुलर नोड पासेस थ्रू द न्यूक्लियस, दैट इज दे सॉर्ट ऑफ bisects the nucleus. तो nucleus को चीरते हुए निकल जाते हैं. अभी दिखाता हूं, ठीक, imagination करने की है. अभी दिखाता हूं. ये देख, कोई orbital आने वाले हैं थोड़े समय में. तो ये जो बीच में, ये मान लीजिए आपके टेबल का ग्लास रखा हुआ है,
ये जो नीचे वाली फुटबॉल है वहां पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ये ऊपर रह सकता है, और इन दोनों के सेंटर में कहीं न्यूक्लियस है, तो इस प्लेन के अंदर न्यूक्लियस को रहने की परमिशन नहीं है, तो ये न्यूक्लियस को काटता हुआ नहीं चला गया एक तरीके से। यस सर। इसको मैं एंगुलर नोड बोलूंगा, इसको मैं एंगुलर नोड बोलूंगा, इसको मैं एंगुलर नोड बोलूंगा। ये गोले गोले आपको बता रहे हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। दोबारा देख बेटे, ये थोड़े समय में 2p का ऑर्बिटल का शेप लेके आ रहा हूं। अब ये देख, ये बीच में से कोई चीज निकल रही है। यस सर। यहाँ पे न्यूक्लियस होगा कहीं पे बीच में, और इसी हिस्से में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, तो इसकी कौन सी नोड बोली जाएगी? एंगुलर। समझ आ रहा? एंगुलर। यस। अब ध्यान से देख, ये वाले जो 3p का शेप आ रहा है, ये न्यूक्लियस यहाँ पे होगा। यस सर। तो ये कौन सी नोड आ रही बहन? एंगुलर नोड। अब ये देख, ये जो बीच बीच में हमने कलर शेड यूज किया ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह सकता है, यहाँ पे रह सकता है, इन दोनों के बीच में कोई जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, वो भी नोड होगी। इसमें तेरे को नीचे से नजर आ रहा होगा। ये वाला जो है, ये देख मेरे कर्सर को देखना, ये इक्वल डिस्टेंस नहीं जा रहा। यस सर। तो ये वाली कौन सी नोड होगी? दिस इज गोइंग टू बी द रेडियल नोड। ये रेडियस के ऊपर आने वाली है, ठीक। थोड़ी सी दोस्ती कर, बिकॉज इट इज अ न्यू थिंग, एंटायरली न्यू थिंग आपके ऊपर आ रही है। हाँ, सर एक बार फिर से रिपीट कर दो सर। एक बार नहीं, 50 बार करूंगा यार, चिंता ही मत कर। चल अग्रिम, मेरे से बात कर। तो अग्रिम, ये देखिए सेंटर में कहीं पे न्यूक्लियस होगा, ठीक। Yes, तो ये जो मेरा कर्सर मूव कर रहा है वो न्यूक्लियस के थ्रू नहीं होके कर रहा, सो दिस इज द एंगुलर होगा, दिस इज गोइंग टू बी द एंगुलर नोड होने वाला है। समझ आएगा? द एंगुलर नोड जो कि न्यूक्लियस में से पास करे। देख, ये वाला भी एंगुलर नोड है प्लेन में, ये भी एंगुलर नोड है। समझ आएगा? द एंगुलर नोड which hypothetically passes from the nucleus, that is the angular node. Okay, दोबारा देख, चला जा वापस। तो angular node are given by value of कौन सा quantum number? The angular quantum number. तो कितने प्रकार की nodes तुम्हें बता रहा हूं? एक radial node और एक angular node. Angular node. टोटल नोड्स कौन सी हो जाएंगी? आर एन प्लस ए एन। आर एन कितनी होगी? एन माइनस एल माइनस वन प्लस एल। टोटल नोड्स एन माइनस एन माइनस। अभी के लिए मैंने आपको सिर्फ एक चीज से दोस्ती कराई है, दैट इज व्हाट, दैट इज गोइंग टू बी द नोड्स आर ऑफ टू टाइप, द रेडियल नोड्स एंड द एंगुलर नोड। Radial node lies at equal distance on the radius from the nucleus. Angular node passes through the nucleus given by which formula? The L. Now, we are going to discuss one by one different shapes of orbital. उसमें से भी हम आपको F नहीं दिखाएंगे, मैं पास कर दूंगा आपको, बट F आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले S orbitals लेके आ रहे हैं। तुम्हें पता ना orbitals कितने प्रकार के होते थे? SPDF. तो ऑर्बिटल को नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिट बोला जाता है। अभी समझ आ जाएगा कि आप इसके लेफ्ट राइट कहीं पे भी जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी द सेम शेप होता है। चलिए जी, इसका आपको दिखा रहे हैं, एस ऑर्बिटल का शेप दिखा रहे हैं। एस ऑर्बिटल, ये फॉर्मूला याद है ना आपको? यस सर। चलिए सबसे पहले 1s को देखते हैं। 1s में रेडियल नोड कितना हुआ? 1 माइनस 0 माइनस 0। आपको पता ना s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0। अरे यार 1 समझ आ गया? 1 माइनस 0 माइनस 0। और एंगुलर नोड इज गोइंग टू बी गिवन बाय व्हाट? 0। 0 s तो 0 ही है। तो ये एक संतरे के जैसे आप इमेजिन कीजिए, एक सूरज के जैसा एक गोला है। ये गोला क्या इंडिकेट कर रहा है?
इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इज 92-95% है। 95 दैट इज नोन एज ऑर्बिटल। आप एस ऑर्बिटल को आप कह सकते हैं दिस इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। इसको नॉन डायरेक्शनल क्यों बोलेगा, इधर चल या इधर चल या इधर चल या इधर चल, सब तरफ इक्वल प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ रही है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। समझ गया, अनम्यूट हो जा। अनुवंश चुप जी आप आगे आ जाइए। ये ना ए वाले नाम ये आगे रहते हैं तो ज्यादातर हमारे पास ए का नाम आता रहता है। चुक साहब क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, तो अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आए, बाकी आपने नई चीजें देखनी है बेटे तो वो तो आपको इस वक्त एक्सेप्ट ही करनी पड़ेगी, देयर इज नो वे आउट। ठीक, अब 2s में चल भाई। फॉर्मूला क्या बताया था, 2 माइनस 0 माइनस 1, रेडियल नोड कितनी आती है इसमें 1, और एंगुलर नोड कितनी पाई गई है 0। असल में ना तुम्हें लग रहा है कि फॉर्मूला ये चीज प्रेडिक्ट कर रहा है, बट असल में एक्चुअलिटी फॉर्मूला प्रेडिक्ट कर रही है और मैथमेटिक्स और ये बिल्कुल सही आपस में बैठ रहे हैं। तो सुन बेटे, सेंटर में कहीं पे न्यूक्लियस होगा, ये जो वाइट रीजन है ना ये इंडिकेट करता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन यहां पे रह सकता है, और 1s और 2s के बीच में थोड़ा सा गैप है। ये जो लाल वाला रीजन है ये आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं पाया जा सकता है। That is going to be कौन सा नोट सर, रेडियल नोट। सर ये न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ कैसे हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन? कौन सी बोल? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल पास कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकता? ये किसने कहा कि वो न्यूक्लियस के पास नहीं हो सकता? ये कहा था ना न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा सकता। ये हमने आपको कब कराया कि न्यूक्लियस के पास नहीं रह सकता? न्यूक्लियस के पास तो उसको बहुत ज्यादा उसकी खींच पड़ती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस वहां पे ज्यादा है, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा सेफ है। ठीक है बेटे, ये आपके मन ने ऊपर, हमने तो ऐसा आपको कभी करवाया ही नहीं है। ठीक, अब आप आगे देखिए, इस तरफ चलते हैं 3s। अंशुल अनम्यूट हो जा बेटे। अंशुल ये देखिए 3s है बेटा, 3s के लिए n की वैल्यू कितनी है दोस्त? 3। 3 l की वैल्यू कितनी आ गई? 0। 0 और 1 तो फार्मूला में से आ रहा है, तो कितनी नोड्स आ गई मेरे भाई? 2। 2 और एंगुलर नोड तो सारे s में कितनी होंगी? 0। तो अगर यहां पे जैसा चुग ने बोला था कहीं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस होगा तो कितनी नोड्स आएंगी? 2। ये जो लाल हिस्से से मैं इंडिकेट कर रहा हूं, ये मैं क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं? नोड्स। नोड्स कितनी नोड्स आ रही हैं? 1, 2 और आगे चल रहा है। अगर 4s होगा तो कितनी नोड होंगी? 3। अगर 5 होगा तो कितनी नोड होंगी? 4। अगर 6 होगा तो कितनी नोड होंगी? एक बार दोबारा, ये तो मैंने ड्रॉ किया था, ये मैंने एक्चुअल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की दिखाने की कोशिश की। तो बेटा 1s के अंदर कोई आपको सफेद रीजन यानी कि जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप पा रहे हैं? नहीं। और इसके अंदर कितनी नोड है? 1। और इसके अंदर कितनी नोड है आपके पास? 2। क्या समझ पा रहे हैं? आगे जा सकते हैं। यस सर। अपने मन में बिठाने की कोशिश करो, आई एम नॉट क्रिएटिंग इट, यू आर नॉट क्रिएटिंग इट, इट इज लाइक दैट। देख 1s ऐसा है, असल में तो अभी भी उसने बताया था ना कलम ने जब हम उसको अनम्यूट किया था कि इलेक्ट्रॉन की तो 100% प्रोबेबिलिटी तो है ही नहीं है। हम तो किसी ऐसे रीजन को जहां पे इलेक्ट्रॉन के जाने की सबसे ज्यादा संभावना है उसको हम ऐसा सर्कल कह देते हैं, हम उसको ऑर्बिटल बोलते हैं। बेसिकली तो बेटे इट इज समथिंग लाइक दिस, ये जो डॉट 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 है ये आपको क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं भी हो सकता है, और ये जो सफेद हिस्सा है ये क्या है बेटे? नोड। इसमें दो सफेद हिस्से आ रहे हैं, 2, ये 3s का शेप है। कंट्यूर प्रोबेबिलिटी डिसेक्शन में दिखा रहे हैं आपको, ये जो येलो पोर्शन है ये क्या है? नोड है। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, बाकी वो कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। दैट इज सिंबोलिकली मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 1s का शेप डियर क्या होता है? स्फेरिकली सिमेट्रिकल। किस प्रकार में होगा? इस गोलानुमा में होगा।
और जैसे जैसे आप वन से टू पे जाएंगे तो बीच में एक हिस्सा वो आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है. स्ट्रेंज इज दिस, कहने को तो ये सच है, हम इसको एनालाइज करते हैं इंस्ट्रूमेंट से. दूसरी तरफ से हमारे पास एक चीज है मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स वही प्रेडिक्शन देता है जो कि सच्चाई में होती है. हम आगे जा सकते हैं बेटे. हाँ बोलो सर. जो पिछली स्लाइड है, एक मिनट सर, इसमें सर जो कॉन्टोर प्रोबेबिलिटी में सर जो 3s है उसमें जो ब्लू पार्ट है उसमें हो सकता है. हाँ, ये येलो वाली को नोड दिखा रहा है ना, ये नोड सर है. जो बाहर येलो दिया है मतलब उसमें हो नहीं सकता वो. हाँ, वो नोड दिखाने की, उसके बाहर भी हो सकता है, वो दिखाया नहीं सर. ओके सर, दो नोड दिखा रहा है ना, एक ये वाली और एक ये वाली. ओके सर, इस तरह सिंबोलिकल है, इसको देख ले, एक ही चीज निकलेगी. यस सर, वो एक ही चीज है. चलिए आगे चलते हैं. तो अन्य अरोड़ा, डज योर माइक वर्क? यस अरोड़ा मैम. चलिए पी ऑर्बिटल की तरफ चलते हैं. पी ऑर्बिटल, अब पी के लिए एवरीबॉडी रिमेम्बर एल की वैल्यू कितनी होगी? वन. तो लेट्स सी अरोड़ा जी, इधर देखें. The p orbital. पहले 2p की बात करते हैं गुड़े. 2p में रेडियल नोड फॉर्मूला याद है ना, n माइनस l. जितनी बार लिखेगा ना n माइनस l माइनस 1 बेटा उतना अच्छा रहेगा. तो दिस इज 2 माइनस 1 माइनस 0, दैट इज गोइंग टू बी नो रेडियल नोड. और एंगुलर नोड कितनी होती है इसमें? द 1 इज गोइंग टू बी द एंगुलर नोड. राइट साक्षी ओझा, चल मेरे से बात कर बेटे. एंगुलर नोड इज 1. बेटा आपको याद है पी ऑर्बिटल कितने थे? 3. एक का नाम px, एक का नाम py, एक का नाम pz भी रखा था आपने. माइनस 1 0 प्लस 1 भी रखा. इज इट क्लियर? तो yes, जो पी ऑर्बिटल है ना गुड़िया, दैट इज 2 लोब्ड. इमेजिन कीजिए जिस टेबल पे आप बैठे हैं, टेबल का जो जहां टेबल है दैट इज द नोड. उससे ऊपर इलेक्ट्रॉन को रहने की परमिशन है और टेबल के नीचे उसको एक जगह पे रहने की परमिशन है, बट टेबल में इलेक्ट्रॉन कभी नहीं आ सकता है. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट ही वांट टू टॉक विद यू? इमेजिन दिस ऑफ पी ऑर्बिटल. इनमें से एक x है, इनमें से एक y है और एक इनमें से z है. और सुनो, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. आप तीन ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक? तो आप इसको, आपकी मर्जी है, आप px बोलिए, आप py बोलिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप इसको बेटिया py भी बोल सकते हैं, बट नॉर्मली हम xyz लिखते हैं. तो इस हम इसको px, इसको py और हम इसको क्या बोल देते हैं डियर? PZ बोल देते हैं. डू यू अंडरस्टैंड? समझ पा रहा है? मान के चल ये दो रसगुल्ले हैं, एक प्लेट के ऊपर पड़ा है और एक प्लेट के नीचे पड़ा है, और प्लेट में रसगुल्ला नहीं है, ऊपर है उसके, टच नहीं कर रहा उसको. सो दैट प्लेट रिप्रेजेंट एन एरिया वेयर एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट लिव. दिस इज द टाइप ऑफ क्वांटाइजेशन. मेरे कर्सर को देखना, इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है, अगली मोमेंट पे यहां हो सकता है, बट आप उसको धीरे धीरे करके ऊपर जाते हुए कभी नहीं देखेंगे. दैट इज व्हाट इट वांट टू टेल. क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या था? यू आर प्रेजेंट इन चंडीगढ़, यू आर प्रेजेंट नेक्स्ट मोमेंट इन दिल्ली, बट यू आर नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट एनीवेयर बिटवीन चंडीगढ़ एंड दिल्ली. दैट इज अ क्वांटाइजेशन. डू यू अंडरस्टैंड बेटे? आगे जा सकता हूं. सो दैट इज ब्रिंगिंग. दोबारा देखिए, इट इज अ प्रैक्टिस, जितनी करोगे उतनी सुखी रहोगे. तकरीबन 1978 तक पी ऑर्बिटल को डंबल शेप्ड बोला जाता था. सो दिस इज द ओल्ड पिक्चर. इवन आपकी एनसीईआरटी भी इसको क्या बोल रही है गुड़िया? टू लोब्ड. व्हाट इज टू लोब्ड? वन लोब एंड वन लोब. ये क्या इंडिकेट करता है डियर? एंगुलर नोड. लोब, लोब क्या इंडिकेट कर रहा है?
कितने हिस्से में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है. सो इफ यू फाइंड सच टाइप ऑफ फिगर डू नॉट क्रिएट एनी कॉन्ट्रोवर्सी. यू विल से यस वी अंडरस्टैंड दिस वाज द ओल्डर शेप द ट्रूथफुल द न्यू शेप इज लाइक दिस. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस इज द शेप ऑफ विच ऑर्बिटल बेटे 2p ऑर्बिटल वन लोब अबव वन लोब बिलो द प्लेन. और गायकी अनम्यूट हो जा. This, ये जो एरो बीच में से yes, पास sir. उसको क्या बोल रहा है बच्चे? एंगुलर नोड. यस सर. एंगुलर नोड. नाउ बेटिया लेट्स गो टू 3p. यस सर. फॉर्मूला आता है रेडियल नोड का. यस सर. एन माइनस एल माइनस वन. तो इसके लिए बहना ये तीन समझ आ गया. यस सर. वन इसमें रेडियल नोड कितनी आ गई? वन. और एंगुलर इमेजिन करना जब आप 2p से 3p में जाएंगे बीच में कोई एरिया आएगा ना जहां पे इलेक्ट्रॉन का रहने की परमिशन नहीं है. सो दिस इज कौन सी नोड आएगी बहन? द ये कौन सी नोड है जहां पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है? एंगुलर नहीं, ये इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम रेडियस है, न्यूक्लियस है, रेडियस पे है. रेडियल नोड. यस सर. यस सर. रेडियल नोड. गुड प्रभाकर. सो दिस इज द रेडियल नोड. और ये वाली कौन सी है? एंगुलर नोड. वैसे याद रखना एंगुलर नोड न्यूक्लियस के बीच में से होके निकलती है. जैसे अगर आपने रामायण वो फिक्शन पढ़ी होगी तो वो उन्होंने क्या किया श्रीलंका से लेके हिंदुस्तान के बीच में उन्होंने एक ऐसी लकीर लगा दी जिसमें पानी इस तरफ तो था बट पानी बीच में नहीं था. सो दैट इज गोइंग टू बी द एक सॉर्ट ऑफ रेड. कौन सी नोड है? द एंगुलर नोड जो की न्यूक्लियस के बीच में से होके निकल जाएगी. Do you understand it, बेटे? चल सकता हूँ आगे? Yes, sir. Is another way of showing you the representation. You know why this picture? Just to give you an idea. ये जो बीच में ये जो एरिया आ रहा है ये मैं अपनी बला से दिखा रहा हूँ. ये जो स्काई ब्लू सा है that is going to be the node. इलेक्ट्रॉन यहाँ रह सकता है बट भगवान ने नेचर ने इलेक्ट्रॉन को ये बीच में रहने की परमिशन नहीं दी है. ओ, क्या मैं आगे जा सकता हूँ बेटिया? Yes, sir. चल दोबारा देख. तो जस्ट ट्राई टू इमेजिन ये पी एक जेड ऑर्बिटल. नाम मत दे, तुम इसको पीएक्स भी बोल सकता था, इसको पीवाई भी बोल सकता था. This is P का another orbital. This is P का another orbital. इसको मिला दिया तो ये पूरा मिलके क्या बन गया है? एक P subshell बन गया है. देख पा रहा है? Please let your yes, loose. एक flower shape सा बन गया है गुलदस्ता. But इस subshell के अंदर कितने orbital आ रहे हैं बहना? एक, दो और तीन. Three. एक का नाम PX, एक का नाम PY, एक का नाम PZ orbital है. रटो मत, बिल्कुल मत रटो. जितनी बार जरूरत पड़े वापस आओ, समझो तो आगे जाओ. ये भी समझ पा रहा है? P orbital together. तो गुड़िया ये कौन सी चीज आ रही है? Subshell. And don't draw it. Subshell. Don't draw it. Draw करना हो तो this is more than enough. ठीक? Question solve करो. Then you will be able to understand. आगे जा सकता हूँ? Yes, sir. बार आप दोबारा एक्सप्लेन कर दोगे वो 3p वाला? 3p वाला ले बहना. जहाँ नहीं सर, जहाँ पे आपने मेरे से पूछा था ना कि जहाँ पे मैं कंफ्यूज हुई थी वो रेडियल वाले पे. ये बेटर है? यस सर. देख पहले इसको देख ले जरा. ये एक लोब, ये पहले न्यूक्लियस. यस सर. ठीक, न्यूक्लियस के दो ऊपर दो नीचे लोब. अब इसको इसमें जा, ये न्यूक्लियस बीच में, इसके दो ऊपर लो. यहाँ पे मैं कलर कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा हूं. तो ये बहना कौन सी आ रही है? एंगुलर नोड. यहाँ पे कहीं पे न्यूक्लियस बैठा होगा जो कि तुम्हें दिखता तो है नहीं, वो बहुत छोटा है. यस सर. एक लोब जहां पे इलेक्ट्रॉन है और ये और लोब एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक और लोब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है. ये बीच में घुस जहां पे अभी कदम कूद रही थी यहाँ पे, ये बीच में देख डिप्रेशन है. सो दिस इज जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है. ऐसा ही इस ब्राउन के ऊपर ब्लू वाले में भी है. सो ये कहां पे रहता है? इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऊपर और नीचे. उसको कौन बोलेगा? एंगुलर नोड.
एंगुलर नोड। फर्क देखना 2p और 3p में, 3p और 2p में क्या अंतर है, 3p के बीच में एक और एंगुलर नोड आ गई है, दो लोब्स एक्स्ट्रा आ गई हैं, पर उनके बीच में एक नोड आ गई है। यू हैव टू इमेजिन इट, यू हैव टू इमेजिन दिस। क्या बोला था चुक? सर जो 3p वाला हमने बनाया है, सर उसमें जो जो बीच में लोब्स हैं दो, वो 2p को रिप्रेजेंट कर, नहीं नहीं नहीं, ये मिला के 3p का शेप है, ये मिला के 2p का शेप है, तो ये नहीं कि 3p के अंदर 2p भी घुसा हुआ है ना, 3p एक अलग चीज है और 2p एक अलग चीज है, तुम्हारी बिल्डिंग अलग है, मेरी बिल्डिंग अलग है, मैं 2p हूं तुम 3p हो, बट हाँ हम सारे मिक्स होके तो सफेद ही बना देते हैं, नहीं, वो तो सिर्फ मैं आपको एग्जांपल कोट कर रहा था कि जब आप 2p और 3p के बीच में जाएंगे तो एक आपके पास बीच में जगह आएगी जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना नहीं है। ओके सर, ओके सर, चल चुप, अब अनम्यूटेड रहे। डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल कुछ ऐसा शेप लेके आता है, इसमें से चार तो आपके एक्सपेक्टेड है और ये एक्सेप्शनल शेप बन जाता है। चल पहले तो रेडियल नोड का फॉर्मूला याद है बेटे, एल माइनस एन माइनस वन, ठीक, तो थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो आ गया, ये सो, और डी के लिए बेटे एल की वैल्यू कितनी होती है, टू, तो रेडियल नोड एंगुलर नोड कितने हो गए, टू, टू, ठीक। अभी पहले मैं बना देता हूं फिर आपसे बनाऊंगा, ठीक। अब देख डी के आपके पास पांच ऑर्बिटल हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, सिमिलर है, सिमिलर है, सेम नहीं बोला, तो स्पेलिंग गलत हो गए। ये चैप्टर बच्चों सबसे बड़ा चैप्टर है, अगले चैप्टर इतने बड़े नहीं होंगे, ये चैप्टर हमारा तकरीबन दो महीने खाता है, और ये तीनों चैप्टर मिला के एटॉमिक पीरियोडिक बॉन्डिंग हमारे तीन साढ़े तीन महीने लेके जाते हैं। सो अगले चैप्टर ऐसे नहीं होंगे, जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी काफी छोटा होगा, बॉन्डिंग फिर बड़ा होगा, बट एटॉमिक स्ट्रक्चर के जितना बड़ा नहीं होगा। दिस इज द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ योर टू ईयर केमिस्ट्री, ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू थ्री और फोर चैप्टर्स, इतना समय लगता है इसमें। आप देख ही रहे होंगे हम आज 15th सेशन चल रहा है हमारा। तो बेटे ये सिमिलर है, दीज लाइज, जो आपकी नॉलेज में डिविशन हो रही है, ठीक है जी, नॉलेज एडिशन हो रही है, लाइज इन बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस। देख बेटा ऐसे ही आप अपनी कंप्यूटर को चार क्वाड्रेंट्स में बांट दो, समझ पा रहे, ऐसा और ऐसा, इसको एक्स बोल दो, इस एक्सिस को वाई बोल दो, ठीक। तो इसमें एक लोब, लोब का मतलब समझ पा रहा है ना, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ लोब, लोब मतलब उस सर्कल को, इस एरिया को इनसर्कल करता हूं जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। तो इलेक्ट्रॉन यहां रह सकता है, यहां रह सकता है, यहां रह सकता है, इट लाइज इन बिटवीन द एक्सिस, डू यू अंडरस्टैंड। दिस इज बेसिकली थ्री डायमेंशनल पिक्चर है ना, आपके पास तीन डायरेक्शन है, और जो जेड एक्स है वो भी डिट्टो वो है, आपकी मर्जी है। जेड एक्स मैंने दोबारा नहीं लिख दिया, ये एक्स वाई था, अच्छा ये z कर देता हूं और ये x बोल देता हूं, तो ये आपके इस प्रकार से पाए गए, that is present in this way, ठीक। अब देख ये जो बीच में आपके पास जगह आई थी भाई, ये न्यूक्लियस में से होकर निकल रही है ना, ये सो, तो ये एंगुलर नोड है, दिस इज वन एंगुलर नोड, दिस इज सेकेंड एंगुलर नोड, जो आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है, वो सिमिलर टू एक्स वाई है, बट दैट
has been found to be rotated around 45 degree towards the axis. That means उसमें क्या हुआ 45 डिग्री घुमा दे तो ये वाली लोब इधर आ गई, ये इस एक्सिस पे आ गई, ये इस एक्सिस पे आ गई, ये इस एक्सिस पे आ गई, तो आपका ये जो है अब वो कौन सी एक्सिस पे चढ़ गई है, एक्स और वाई एक्सिस पे चढ़ गई है। और जो टी जेड स्क्वायर है वो तो भगवान ने बनाया ही एक्सेप्शनल है, हमारे फॉर्मूला फेल हो जाते हैं। आपको छोटा कोई बेबी याद होगा जो सुधर पीता है, छोटा बेबी 6-7-8 महीने का, सुधर समझ पा रहे हैं, वो सिलिकॉन रबर, वो सिलिकॉन रबर अपने मुंह में डाल के भाई साहब बैठे, उसके ऊपर एक प्लेट नहीं जा रही प्लास्टिक की ताकि वो जनाब उसको खाना जाए, और उसके ऊपर एक छल्ला भी तो है ना जिसको वो पकड़ के बैठा रहता है ताकि वो उसको कंट्रोल भी कर लेता है और उसके मुंह में भी वो सुधर नहीं जाती है। तो इसका शेप बेटे, इसको बोलते ही बेबी सुदर या डोनट शेप है, ये कुछ ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसा रह सकता है और बीच में उनके एक प्लेट है जहां पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है, राइट। जैसे मार्स के छल्ले होंगे, मार्स के नहीं, गलत बोल गया यार, यूरेनस नेपच्यून के रिंग्स नहीं होती है, वैसा इसका एक शेप है। दोबारा ट्रू पिक्चर से देखने की कोशिश करिए, देखो ध्यान से देख, जल्दबाजी नहीं है। ये जो तीन ऑर्बिटल हैं, ये जो तीन ऑर्बिटल हैं, ये डिफरेंट है, दीज लाइज, हां जी बेटे, इन बिटवीन एक्सिस। जर्मन्स ने इनका नाम दे रखा है, तुम्हें प्लस टू में जरूरत पड़ेगी, T2G, इससे आगे मत जाना, ट्रिपलेट टू ग्रेड आपको नहीं जरूरत है, सच में नहीं जरूरत है, और जब मैं रोकता हूं ना वहीं पे रुक जाया कर मेरे बेटे। तो देख ये कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन के अंदर है, दिस इज द नोडल प्लेन, दिस इज द नोडल प्लेन, समझ पा रहे हैं, ये शुरू टू नोडल प्लेन, वाई जेड इज लाइंग ऑन द वाई एंड जेड एक्सिस, और तुम्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं, मान ले तुमने वाई जेड बनाना है तो यार इसको ऐसा बना दे मेरे दोस्त और इसको वाई और जेड बोल दे। सपोज जेड और एक्स बनाना है, जेड और एक्स बनाना है, इसको जेड बोल दे, इसको एक्स बोल दे, डू यू अंडरस्टैंड, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन यू, यू कैन ड्रॉ इट एनी वे। और ये जो तीन है ये इन बिटवीन द एक्सेस रहती है, इन बिटवीन द एक्सिस रहती है, ये जो ऊपर वाले तीन थे, और जो ये दो ऑर्बिटल है भाई, ये मजेदार ऑर्बिटल, ये आपको प्लस टू में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करवाएंगे तब आपको ये चीज समझ आएगी वहां पे। सो इनको जर्मन्स ने ईजी बोला था, एग्जांपल ए ग्रेशिया, राइट, ये सिमिलर है, क्या खासियत है, दीज लाइज ऑन द एक्सिस, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसमें सिर्फ क्या अंतर है, ये 45 डिग्री एक्सिस पे चढ़ा बैठा है, ये एक्स है और ये वाई है, अभी भी देख ये एक नोडल प्लेन है और ये दूसरा नोडल प्लेन है, और ये देख जो मैं कह रहा था डी जेड स्क्वायर को बेबी सुधर, इलेक्ट्रॉन कैन लिव हेयर बट इट कैन नॉट be present in any other thing, समझ पा रहा है? So that is baby Sudar, ये वो baby silicon rubber, ये जो handle वो पकड़ के बैठा है, this is जैसे वो Saturn की ring है, वो वैसे shape पाया गया है, right? Sir, these are truthful. Sir, we are creating angular होंगे. What you call? DZ square में sir angular node कितने होंगे और radial node? दोबारा बोलिए यार, मैं समझा नहीं क्या question था. सर डी जेड स्क्वायर में एंगुलर डी जेड स्क्वायर में एंगुलर नोड कितने, वो एक्सेप्शन है ना, उसका शेप ही एक्सेप्शनल है सर, इस शेप की शेप अलग ऐसे करी हुई है,
ये मैथम पहले तो एक बड़ी मजेदार चीज है, मैथमेटिक्स बताता है, फिर उसके बाद हमारे पास कुछ और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं, हम वहां से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से पता लग सकते हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स बहुत आगे। और सुन, ये एक इतना भयंकर फील्ड है और इसको बोलते हैं फिजिक्स, दीज आर फिजिसिस्ट। ये फिजिसिस्ट वो नहीं है जिनसे मैं और आप पढ़े हैं, ये फिजिसिस्ट वो हैं जो प्योर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और मैथमेटिक्स और फिजिक्स में कोई अंतर नहीं है, ये वो निकालते। बहुत भयंकर फील्ड है बेटा ये, बहुत भयंकर और दिमाग वाला फील्ड है। और आपकी नॉलेज के लिए, हमारे देश में कोई बहुत ज्यादा लोग मैथमेटिशियंस और फिजिसिस्ट नहीं है, आप लोग बुरा मत मानिएगा, ठीक है जी। आई एम अ टीचर सो आई शुड टेल यू द ट्रुथ। दुनिया के जो बेस्ट ब्रेन होते हैं, चुप आपसे बात कर रहा हूं, प्लीज कोई बुरा नहीं मानेगा, आपको पता है दुनिया के मतलब आप अपने में से जो बेस्ट ब्रेन होंगे, जो बेस्ट ब्रेन होंगे वो क्या फील्ड लेंगे? डॉट माइंड फिजिक्स एंड ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स। फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक ही चीज होगी, राइट? प्लीज डोंट माइंड, नोबडी शुड माइंड, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। The best brain goes for physics and maths. Then please don't mind. I'm talking about the world. क्योंकि हमारा देश एक अलग है, हमारे देश में साइंस नाम की तो कोई चीज ही नहीं है ना, हम तो बाहर वाले रिसर्च कर रहे हैं, हम उसको खा रहे हैं। तो हम सिर्फ क्या करते हैं, हम सिर्फ इंजीनियरिंग, MBBS और इंजीनियरिंग की तरफ देखते हैं, जबकि बेटे जो साइंस होती है ना, दैट इज नोन एज प्योर साइंस। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्योर साइंस? Pure sciences, biology, physics, chemistry, maths, and then comes the biology. Why biology? Why? ज्यादातर लोग जो तेज दिमाग के होते हैं वो biology को क्यों नहीं लेते हैं? Because don't mind. I'm telling you. I'm not demotivating you. I'm telling you the truth because you have asked कि ये field कैसा है. तो जिनका maths बहुत अच्छा होता है, वो हमेशा science के शिखर पे रहते हैं. Now please, आप में से काफी लोगों के पेरेंट्स डॉक्टरी मेडिकल फील्ड में हैं, आप उनसे देखिए जो सबसे ज्यादा जो डॉक्टर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, क्या वो इंस्ट्रूमेंट्स वो पैदा करते हैं? आपको पता है कि आप लोग जो भी मेडिकल में ये जो कैट स्कैन, MRI, पेट स्कैन में भी आप नए नए इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं, वो इन्वेंटर कौन है? फिजिसिस्ट। That's it. तो ऊपर बायोफिजिक्स सब्जेक्ट बैठा है, तो बायोफिजिक्स ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स बना के देगा। एंड नॉट टू टेल यू, सारे के सारे मेडिकल फील्ड में टॉप के इंस्ट्रूमेंट्स कौन बना रहे हैं? फिजिसिस्ट। कहाँ पे बैठे हैं ये सारे टॉप के जो मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट्स है, वो कहाँ से आ रहे हैं दुनिया में? जर्मनी। हाँ, बेस्ट इन फिजिक्स। हाँ बोलो सर। वो वाला पेज खोलना, 74 स्लाइड खोलना सर। इनमें सर एंगुलर नोड ही है, मतलब जो रेडियल नोड है वो तो यहाँ पर कहीं दिख नहीं रही। जब होती नहीं तो मैं कहाँ से बनाऊँ मेरे प्यारे से बच्चे? सर डी जेड स्क्वायर में भी नहीं होती जो फॉर्मूला ही तेरे को रेडियल नोड जीरो बोल रहा है, तो मैं कहाँ से बनाऊँ? ओके सर, मैंने सर ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, आज के बाद आप कभी गलती नहीं करेंगे। तो प्लीज डोंट गेट डीमोटिवेटेड, आई वाज जस्ट टेलिंग यू फॉर द नॉलेज सेक। मैथ से मत घबराओ, आपकी फिजिक्स तब चलेगी जब आपके वो चलेगा। तो मैं बता, ऑल ओवर वर्ल्ड इट इज जरूरी है कि आप लोगों को मैथ्स पढ़ना पड़ता है अप टू 12th लेवल। ये हमारा देश महान है जहां पे मैथ्स को बाईपास कर देता है। चलिए छोड़िए, बट प्लीज व्हाटएवर केमिस्ट्री आई नीड वी विल बी डूइंग एवरीथिंग हियर। कैन वी मूव हेड बच्चों, आगे चल सकते हैं। फॉर्मली बच्चा बाटी मेरा चैप्टर पूरा हो चुका है, अब हम बिट्स एंड पीसेस जो कोई थोड़ी बहुत कोई चीज कहीं पे पड़ी होगी उसको इकट्ठी कर रहे हैं। ठीक गए की दीदी, तो चल सकते हैं आगे बेटिया। यस सर। दिस इज डॉली, EMW पढ़ा था ना कभी? यस सर। मैटर वेव, ये तुम्हारा वो बचपन का कार्टून कैरेक्टर था ना, उसका बड़ा भाई था मोगली का, डीप ब्रोगली लेके आए, याद आ गया? Yes, sir. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती थी? और सूरज से चली थी। तो गुड़िया एक बार रिवीजन कर लेते हैं ना इसका दोबारा। Yes, sir. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। Yes, sir. वेव के साथ ऐसा कोई फील्ड नहीं होता।
वो तो जहां जहां पे गई की जाएगी, जहां जहां पे हमारी क्रिकेट की बॉल जाएगी, हमारा सैटेलाइट जाएगा, धरती जाएगी, उसके साथ ही चलती रहेगा। ये फील्ड इतने यस सर इसको सोचने के लिए दिमाग भी आइंस्टाइन जैसे ही चाहिए। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड नेवर एवर थिंग्स ऑफ टेकिंग मैथ्स और फिजिक्स अनलेस एंड अंटिल द गॉड आस्क यू। आई एम नॉट जोकिंग, everybody is not meant for that field. वो फील्ड कुछ ऐसे फील्ड है कि ऊपर से ही उनको हुक्म आता है कि तुम मैथमेटिशियन बन सकते हो, अगर आप कोशिश करेंगे आप मैथमेटिशियन नहीं बन सकते हैं। अगर आप मेरे को पूछे, मेरे को चुक थोड़ी देर पहले पूछ रहा था, आप सच में देखिए चुक अनम्यूट हो, तुमने अभी थोड़े से वैसे पूछा था इलेक्ट्रॉन के मैग्नेट के करेक्टर में मैंने क्या किया था, यार मुझे नहीं आता ना। सो दैट इज नॉट माई फील्ड। सो डोंट ट्राई टू बी मैथमेटिशियन, डोंट ट्राई टू बी फिजिसिस्ट अनलेस एंड अंटिल यू हैव अ नेचुरल फ्लेयर। फिजिसिस्ट वो बन सकता है, मैथमेटिशियन वो बन सकता है, वो इज अ प्रोडिजी ऑफ मैथ्स। एंड प्रोडिजी ऑफ मैथ्स ये वाला मैथ्स नहीं जो तुम अभी करते हो, ऊपर चल के मैथमेटिक्स इज सो मच ड्राई माय सन, तुम कहोगे यार ये मैथमेटिक्स है कि क्या है। अभी तक तुम जो मैथमेटिक्स किया उसमें मल्टीप्लिकेशन डिविजन होती है ना, हेलो yes. और जो ऊपर वाला मैथमेटिक्स yes. उसमें मल्टीप्लिकेशन डिविजन ही नहीं होती, कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, दिस इज ऑल इंग्लिश में चलता है, ऑल लैंग्वेज में चलता है। So that is the different type of maths, my dear friends. So you people, अगर तुम्हें याद हो, पता नहीं मैंने शुरुआत में कहा था, science is not के मैं हर चीज को समझने की कोशिश करूं। Science is something जो मुझे आता है, उसको मैं useful रूप दे दूं। Do you understand? Like what does an engineer do? Engineer ने वही physics पढ़ी है, but engineer का काम क्या है? उसको जो आता है, उसको जो पढ़ाया गया था, वो उसको useful रूप दे दे। इंजीनियर इज नेवर अ इनोवेटर, ही इज एन एप्लीकेटर, वो एप्लीकेशन करता है। तो इसी प्रकार से समाज में अलग अलग ये ना छंटाई हो जाती है, कुछ लोग क्रिएटर हैं, कुछ लोग एप्लीकेटर्स हैं, राइट, और कुछ लोग एंड यूजर हैं। नाउ यू प्लीज डिसाइड आप कहाँ पे आ सकते हैं। आप क्रिएटर बनना चाहते हैं तो आपको अपने फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, नॉन मेडिकल फील्ड में, हर जगह पे है, हर जगह में, साइंस में भी आ सकते हैं, मैथ्स में भी। Excuse me, sir. हाँ बेटे, सिद्धार्थ बोलो। Sir, your voice is cracking. ना, आपकी तरफ नेट वीक है बेटे। तो एक बार चुप, मेरी आवाज क्रैक कर रही है, गाय की मेरी आवाज क्रैक कर रही है? नो सर। तो मेरे यहाँ पे हो सकता है? हाँ। तो सिद्धार्थ यहाँ पे बेटे बीच में थोड़ा सा नेट क्रैक है। मेरे यहाँ पे ना वो एक पूरी बैंडविड्थ वाली पूरी की पूरा सिस्टम लगा हुआ है, तो चांसेस मेरे यहाँ पे कम है, बाकी हो सकता है। रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी, चिंता मत करिए। चलिए आगे चलते हैं गायकी। गायकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गुड़िया ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट, 3 लाख किलोमीटर सेकंड से चलती है। जो मैटर वेव होती है ट्रेवल्स विद स्पीड मच लेसर देन स्पीड ऑफ लाइट। जहां जहां पे गायकी वहीं वहीं पे तो वो मैटर वेव होगी ना। इसकी वेवलेंथ को कैसे निकालता था? सी बाय फ्रीक्वेंसी। यस सर। बोला तो नहीं वो रिलेशन? नहीं सर। वेरी गुड, ऐसे बोला करना हमेशा, जैसे लड़के बोलते हैं ऐसे बोला कर, शाबाश। ये रिलेशन था गुड़िया, है ना? यस सर। इसकी वेवलेंथ कैसे निकालता था सर? एच बाय एमवी। इसको बाद में कॉपी करता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। यस सर। एंड लीव विद देयर सोर्स। और जो डी ब्रोगली है वो थोड़ा छोटा सोर्स कर सकता है। यस सर। इसकी बहना फ्रीक्वेंसी कैसे निकालता था? सी बाय लैम्डा। इसकी फ्रीक्वेंसी के लिए अगले पेज पे चलता हूँ, वापस आ जाऊंगा। तो कोई याद है फ्रीक्वेंसी और डी ब्रोगली वेव में आपको फ्रीक्वेंसी बेसिकली गुड़िया कैसे दी जाती है? वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। अरे वही रिलेशन यूज किया है, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालती है? स्पीड बाय वेवलेंथ। यस सर। क्योंकि अब वी भी आएगा ना, तो मैंने फ्रीक्वेंसी की थोड़ी सी मूंछ मरोड़ दी है, तो दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है गुड़िया। और इसको बोल दो क्या चीज? द वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो फ्रीक्वेंसी इज वेलोसिटी को वी ले लेते हैं। डी ब्रोगली कैसे डिफाइन करता था? एच बाय एमवी। तो इसको उठा के डाल दूं यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी इज एच बाय एमवी। एमवी को ऊपर ले आऊं बहन। यस सर।
ये क्या बन गया एम वी एम वी स्क्वायर स्क्वायर बाय लैम्डा। पहला रिलेशन समझ आ गया? यस सर। क्या आपको याद है, मैं डेरिवेशन ऊपर लिखी है बट आपके साथ कर रहा हूँ ये। तो बेटे काइनेटिक एनर्जी, यस सर, टू टाइम्स काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया। यस सर। तो इसको गुड़िया मैं टू टाइम्स काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ। यस सर। तो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर। इसको क्लास के बाद जरूर कॉपी करना। हम करके आ रहे हैं, हम बस झाड़ू पोछा मार रहे हैं चैप्टर के अंदर, ठीक है? जो जो पॉइंट्स थे, चल सकता हूँ आगे? यस सर। अमोदनी का आज माइक गड़बड़ कर रहा है। ईशान आपसे बात कर सकते हैं? अग्रवाल, आदित्य का भी माइक चलता था, आज आदित्य का है हमारा। यस ईशान, डज योर माइक वर्क? प्रोबेबली नो। अच्छा कर रहा है, गुड गुड। तो चलिए बेटे, ये आप नई चीज सीख रहे हैं। आदित्य, आपने घर में बहुत सारी शरारतें की होंगी, अगर नहीं की हुई तो आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं है, है ना? तो अच्छे बच्चे नहीं है, तो यू मस्ट क्रिएट लॉट्स ऑफ मिस्चीफ। ये आदित्य बात कर रहा है मेरे से कि पाठक कर रहा है? यस, हु इज विद मी? अनुवंश। अनुवंश, अच्छा चल अनुवंश। अनुवंश छोटा घर में भाई है कि बहन है? दोनों है सर। अच्छा, कजिन थे दोनों। तो इमेजिन करिए हमारा अनुवंश है और ये हमारा अनुवंश का कजन है, राइट? तो अनुवंश ने कोई शरारत कर दी है घर में और ये जनाब आपके जो कजन है वो माँ को शिकायत लगाने के लिए बोल रहे हैं। माँ, अनुवंश ने ये किया है। अब अनुवंश को पता है कि माँ गुस्सा करेगी, तो अनुवंश कुछ इस फ्रीक्वेंसी में बोलता है कि आपके कजन की आवाज कट जाती है और माँ तक सिर्फ शोर पहुंचता है। हम उसको बोलेंगे कि आपने उसकी आवाज में इंटरफेयर करने की कोशिश की। अनुवंश, ये हमारे घरों के आसपास खूब सारे पाठ और जगराते होते रहते हैं, तो वहां पे एक कोई धार्मिक पुरुष, राइट, बोलता है। अगर वो बोलता है तो उसकी आवाज उसी कमरे में या उसी इलाके में रह जाती है, तो उसके पास एक चीज आ जाती है। कौन सी? लाउड स्पीकर। पता क्या करता है ये इंसान, इस एम्पलीट्यूड से बोल रहा है। ये लाउड स्पीकर में जब वो आवाज जाती है ना, लाउड स्पीकर इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है और ये आवाज अब दूर तक जानी शुरू हो जाती है। हम इसको बोलते हैं कि उसने इंटरफेयर किया है, उसने हमारी फ्रिक्वेंसी, हमारी वेव उठा ली थी, उसको इंक्रीज कर दिया है, एम्पलीट्यूड में भेज दिया है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि मिस्टर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या मे बी यूएस के प्रेसिडेंट हमारे घर पे आए या हमारे स्कूल में आए, और आपको पता भी नहीं होगा कि आपके जेब में जो मोबाइल फोन्स पड़े होंगे वो काम करने बंद कर देंगे? यस, दैट्स अ सिक्योरिटी रीजन। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई डिग्निटरी ऐसे चल रहा है तो उसके कारवां के आगे कुछ ऐसी कारें हैं, कुछ ऐसी चीजें लगी होती हैं जिसमें बड़े बड़े से ना एंटीने लगे होते हैं। व्हाट दे आर डूइंग इज, अगर जी बोल बेटे, जैमर्स। जैमर्स, तो वो ना प्रभाकर, अगर हमारी कोई वहां पे कोई रेडियो वेव आ रही है, वो उसको पकड़ लेते हैं, वो उसको पकड़ लेते हैं और बिल्कुल उसकी एंटी वेव उसके ऊपर डाल देते हैं और वो हमारी वेव खत्म हो जाती है। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से किसी ने वहां पे कोई बॉम्ब रखा हो या कोई इंफॉर्मेशन पास कर रहा हो तो वो फ्रिक्वेंसी जैमर वेव को खत्म कर देते हैं जो वहां पे वेव होगी। आपको पता है सारी टेक्नोलॉजी वेव से ही तो चलेगी। तो अब बेटे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट में लेके जा रहा हूँ, दैट इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। और सुनो, ये आप फिजिक्स में, ऑप्टिक्स में भी करेंगे, बट हम जो करेंगे हम उतना करेंगे जितना हमें केमिस्ट्री में जरूरत है। अब आप नोटिस करेंगे कि मैं धीरे धीरे करके अपनी केमिस्ट्री की तरफ चलना शुरू हो जाऊंगा, मैं रिएक्टिविटी, एटम्स की तरफ चलूंगा। अभी तक मैंने आपसे ऐसी कोई बात नहीं करी थी, अब मैं धीरे धीरे करके अपनी गाड़ी को केमिस्ट्री की तरफ मोड़ रहा हूँ। ये चैप्टर तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का साझा है। व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ वेव? एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दैट इज मिक्सिंग, कह लो ओवरलैप of waves. Combination of two waves is called interference of waves.
कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स. सी द कॉम्बिनेशन कैन हैपन इन टू वेज, वन इज कंस्ट्रक्टिव, अनदर इज बच्चों डिस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव. व्हेन क्रेस्ट ऑफ वन वेव, कंस्ट्रक्टिव पढ़ रहा हूं, कंबाइंस विद क्रेस्ट ऑफ अनदर एंड ट्रफ विद ट्रफ. बेटा जो ओवरलैप होता है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप. ध्यान से देखिए, ये प्रभाकर क्रेस्ट है, बुढ़िया ये दूजी वेव की क्रेस्ट है, ये दूजी वेव की ट्रफ है और ये दूजी वेव की ट्रफ है. मैंने शो किया है क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट, ट्रफ के नीचे ट्रफ. तो जब ये दोनों ऐड की है तो बहन क्या हो गया है, एक नई वेव बनी है जिसमें एम्पलीट्यूड ऑफ वेव क्या कर गया है गुड़िया, इंक्रीज. इसको जो आप लाउड स्पीकर वाला काम कह रहे थे वो वाला हुआ है. उसने आपकी वेव पकड़ ली थी, उसने एग्जैक्टली उतनी वेव उसको एम्पलीफाई कर दिया था और आगे भेज दिया है. चल सकता हूं आगे. और ये बड़ा इजी चीज है, आप अपने रेडियो की, अपने टेलीविजन का जब स्विच दबाते हो दैट इज डूइंग द सेम थिंग. वो सिर्फ उसको वेव को एम्पलीट्यूड बढ़ा के आपके पास फेंकता चला जा रहा है. नॉट ओनली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, when crest of one wave combine with trough and vice versa. ध्यान दे बहन, ये क्या है crest और ये क्या है crest. तो ध्यान दे, मैंने crest के नीचे trough डाली हुई है, ये red pen से trough दिखा रहा हूं, और ये मैंने crest के ऊपर trough डाली हुई है. समझ पा रहा? और इधर समझ पा, उस तरफ मैंने क्या किया था, चल तेरे को उससे दिखा देता हूँ बेटा कॉम्बिनेशन से. ये देख, ये क्रेस्ट के नीचे क्या दिखाया था, क्रेस्ट, और ट्रफ के नीचे क्या दिखाया था, ये दिखाया था. और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप में आप ऑब्जर्व करिए एम्पलीट्यूड क्या कर गया है, एम्पलीट्यूड और वेव मे डिक्रीज और वेव मे किल अनदर वेव, खत्म भी कर सकती है. वेव्स हमारी दो प्रकार से क्या करती हैं, इंटरफेयर करती हैं. गुड. तो चल चल बोलो बोलो. सर तो आपने फर्स्ट एग्जांपल दिया था, उसमें कौन सी हुई थी ये? यस सर, ये जो दोनों भाई लड़ रहे थे ये डिस्ट्रक्टिव था ना, ये अपनी शरारत को, जो उसका भाई इसकी मॉम को शिकायत लगा रहा था, ये उस वेव को कैंसिल कर रहा था. चुप, जन्म से ही ऐसे है, शरारती था ये बचपन से ही. समझ आ गया? सीरीज में तो एम्पलीट्यूड नहीं जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा नहीं सीरीज में तो. ये कोई बहुत अच्छा एग्जांपल नहीं था यार, तू जब गाएगा उसके सामने तो उसकी आवाज जो यूजफुल चीज है वो खत्म होगी. ये घटिया सा एग्जांपल था. चुप, समझ पा रहा ना, क्योंकि ना तो आपको पता है उसकी कैसे फ्रीक्वेंसी डालनी है, बट जब इंस्ट्रूमेंट से चलेगा तो बेटे वो एक अच्छी वेव पे चलेगा. ये एक ऐसी एग्जांपल था यार, घटिया एग्जांपल. चुप साहब, अब जरा ध्यान दीजिएगा. तो इधर ध्यान दे मेरे बच्चे, अब काम की चीज आएगी, वो सिर्फ थ्योरी थी. तो हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में चल रहे हैं. आपको इलेक्ट्रॉन इज अ वेव पता है? यस. तो इलेक्ट्रॉन जब यहां पे घूमेगा तो अब पार्टिकल भी है वेव भी है. अभी मैं वेव लेके चल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन कैसे घूम सकता है? ये पिक्चर ए है, ध्यान से देख. इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर एग्जैक्टली आके ऐड हुआ है, तो ये क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ हुआ है. ठीक, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. अब इलेक्ट्रॉन से यहां से स्टार्ट करता है से, और वो घूमता 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 ऐसे आएगा. इस वक्त वो क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ या ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट डाल रहा है. अरे होमोजीनियस तो तभी होगा ना जब एग्जैक्टली उसी जगह पे जाके वो गाड़ी चढ़े. इस वक्त इलेक्ट्रॉन अपने आप को क्या करने की कोशिश करेगा, वेव को खत्म करने की कोशिश करेगा.
समझ पा रहा है कुछ? इलेक्ट्रॉन अपने आप खत्म करने की कोशिश करेगा क्या? आपने जो फेलियर्स हमको छोड़ो, क्या इलेक्ट्रॉन अपने आप को खत्म कर सकता? नो सो नहीं। एक छोटा बेबी इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि वो जनाब घूमते घूमते अपने पैर का अंगूठा मुंह में डाल लेते हैं। आप इमेजिन करिए कि वो जनाब कर्व हो गए, वो अपने अंगूठे को खाना शुरू करे, क्या वो गायब हो सकता है? समझ नहीं आता ना। तो क्या इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है वो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप शो कर सकता है? नहीं शो कर सकता है। वो सिर्फ कौन सा ओवरलैप शो कर सकता है? द कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप शो कर सकता है। अदरवाइज तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपने आप को ही खत्म कर देता, राइट? यस सर। मैं तुम्हें फॉरबिडन ऑर्बिट्स की तरफ लेके जा रहा हूं। नील बोहर ने कहा था सिर्फ वही ऑर्बिट परमिटेड होंगे जब पे MVR is equal to NH by 2 pi होगा। बोहर को तो पता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है, उन्होंने तो बस मैथमेटिकली बता दिया था। जब डी ब्रोगली जनाब इस दुनिया में आए तो उन्होंने हमें ये प्रूव करके दे दिया कि जो मिस्टर बोहर बोल रहे हैं वो ठीक है, राइट सन? सो स्टोरी आगे बढ़ती है। प्रूव MVR is equal to NH by 2 pi quantization of angular momentum from de Broglie relationship. There are certain new things which you have to accept, right? Now see, this is the circumference, ek orbit ki hai. Abhi bohar chal rahe hain, theek? Naya concept kaun sa aa gaya hai aapka? The quantum mechanical model aa gaya hai. To bohar saab bolte hain ki yahan pe electron ghumega. डी ब्रोगली कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। अब इन दोनों में हम तालमेल बनाएंगे, दोनों सही थे। तो अगर ये सर्कमफ्रेंस है, ये इलेक्ट्रॉन हरे रंग की वेव दिखा रहा हूं, तो उसको घूमते घूमते कुछ इस प्रकार से आना है कि वो आपस में इलेक्ट्रॉनिक वेव कौन सी ओवरलैप दिखाए? कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप दिखाए। क्यों? अगर वो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप दिखाता, That is not possible because धीरे धीरे करके अपने इलेक्ट्रॉन अपने आप को ही, अपनी वेव को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। Therefore, we say only constructive overlap of electronic wave is possible. What have you learned? That only constructive overlap of electronic wave is going to be possible. जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूमेगा तो उसको अपने ऑर्बिट में कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप करनी पड़ेगी। इसको आगे बढ़ा रहे हैं। फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू एग्जिस्ट इन इट्स ऑर्बिट इट मस्ट कंटेन एन इंटीजर 1, 2, 3, 4 मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वे। अरे ये हम क्या कह रहे हैं आपको देखते हैं। ये देखिए ना, ये आपका सर्कमफ्रेंस है, यहां से इलेक्ट्रॉन शुरू करते हैं, ऐसा घूम के आता है और इधर आके ऐड कर जाता है। तुम्हें पता है क्रेस्ट और क्रेस्ट के डिफरेंस को क्या बोलते थे? वेवलेंथ। क्रेस्ट और क्रेस्ट के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। तो भाई साहब ये क्रेस्ट मानते हो, ये क्रेस्ट है मानते हो, ये क्रेस्ट है मानते हो, तो इधर से लेके इधर तक कितनी वेव्स होगी? एक। इधर से लेके इधर तक कितनी वेवलेंथ होगी? एक। और इधर से लेके इधर तक कितनी वेवलेंथ होगी? एक। अगर ऐसा नहीं होता तो आपका जो वेवलेंथ आती वो फ्रैक्शनल आनी शुरू हो जानी थी। दैट इज नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेवलेंथ जो होनी चाहिए वो 1, 2, 3, 4 होनी चाहिए। अगर ये 1.1, 2.7 होता तो आइडिया कैसा लग जाता? ये घूमता घूमता कैसे आना था? ऐसे आना था। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। दोबारा पढ़िए। फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू एग्जिस्ट इन इट्स ऑर्बिट इट मस्ट कंटेन एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेवलेंथ दैट इज इट्स सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन must be equal to integral multiple of wavelength, otherwise it will be destroyed. That is,
2πr is equal to n lambda. अरे circumference किसके बराबर है? 2πr. 2πr should be multiples of whole number multiple of wavelength. Do you understand this? 2πr is equal to n lambda. Do you people remember that lambda was given by Mr. Bohr as h by mv? समझ पा रहे बच्चों? That is, अगर इनको थोड़ा सा रीअरेंज करूं, mv को ऊपर ले जाऊं, mv r हो गया और इधर n h by 2 pi नहीं आ गया. What is n? N is going to be whole number. N is going to be whole number. So in a way, जो मिस्टर बोहर बता रहे थे वो हमें बाद में डी ब्रोगली सर ने प्रूव करके बताया. ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, ये वाला जो हमने अभी किया था, डिराइव एमवीआर इज इक्वल टू एनएच बाय 2 पाई. एक क्वेश्चन और, हाउ मेनी वेव्स एन इलेक्ट्रॉन मेक इन nth बोहर ऑर्बिट. उसी क्वेश्चन का डिफरेंट रूप है. नंबर ऑफ वेव्स हैज टू बी इक्वल टू n. वी नो दैट फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू एग्जिस्ट इन इट्स ऑर्बिट इट्स सर्कमफेरेंस मस्ट बी होल नंबर मल्टीपल ऑफ इट्स वेवलेंथ. कैसे पता? अभी भी करवाया. दैट इज 2 पाई आर किसके बराबर होना चाहिए बच्चों? एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए. ठीक है जी, एन लैम्डा. नंबर ऑफ वेव्स कैसे निकालते हो? सर्कमफेरेंस बाय वेवलेंथ. डू यू अंडरस्टैंड? नंबर ऑफ वेव्स इज सर्कमफेरेंस बाय वेवलेंथ. अरे यार, अभी तो आपने ये कॉन्सेप्ट हमें करवाया था. ये देखिए, अभी तो आपने ये कॉन्सेप्ट कराया, ये आपकी सर्कमफेरेंस है. तो इसके ऊपर अब कितनी आप नंबर ऑफ वेव्स लगा सकते हैं? नंबर ऑफ वेव्स इज सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस किसके बराबर होती है? सर्कमफेरेंस 2 पाई आर बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय वेवलेंथ. नंबर ऑफ वेव्स, क्योंकि अगर एक वेवलेंथ इतनी है तो आप कितनी वेव्स लगा पाएंगे? दैट इज 2 पाई आर पूरा एरिया डिवाइडेड बाय वेवलेंथ. हम यहां से निकल सकते हैं. एक मिनट, मैं कहां पे था? मैं यहां पे था, है ना? नंबर ऑफ वेव्स सर्कमफेरेंस बाय वेवलेंथ दैट इज 2 पाई आर बाय लैम्डा. ऑल्सो नंबर ऑफ वेव्स इज 2 पाई आर. मैंने लैम्डा को उठा के एच बाय एमवी डाल दिया है, यहां से लैम्डा को एच बाय एमवी डाल दिया. इसको रीअरेंज करिए, 2 पाई एच इधर आ गया, एमवीआर इधर आ गया. व्हाट इज एमवीआर इक्वल टू? इट इज एन एच बाय 2 पाई. 2 पाई 2 पाई कटा, एच और एच कटा. नंबर ऑफ वेव्स किसके बराबर निकल आ गए हैं? एन. व्हाट वाज एन? एन वाज The shell number, Bohr orbit. Bohr orbit के बराबर नहीं होता था ये. So number of waves is equal to क्या निकल के आ गया है? N. That is वो continued है, पीछे से आया है. Number of waves is equal to N. That is first orbit has only one electronic wave. Second orbit has two electronic wave. Third orbit has three electronic wave and so on. That is, according to de Broglie, an electron can live only in those orbit where number of electronic waves are complete. The orbits in which electronic wave are incomplete, wave will be out of phase, destructive interference will happen, due to which the orbit will vanish. Bohr placed a restriction on that only those orbits are permitted in which the angular momentum mvr is equal to nh by 2 pi. That time he did not know ke why this is true. Bohr ne jo kiya kaha tha, de Broglie has proved. First orbit mein kitni wave hongi? 1. Second mein kitni hongi? 2. Fourth mein kitni hongi? 4. Nth mein kitni hongi? N.
दैट इज व्हाट यू हैव प्रूव्ड नंबर ऑफ वेव्स विल बी गिवन बाय एन. ये दोनों क्वेश्चंस को बेटे कॉपी करिएगा समझेगा ठीक दोनों क्वेश्चंस यू शुड डू दैट. दिस इज समथिंग टॉपिक आपको मैंने दी है रीड इट ठीक और इनको हम बाद में पूरा करते हैं. दिस इज द चैप्टर दिस इज रियली द चैप्टर दिस इज सिंपली आई एम जस्ट मतलब कंपनसेटेड समथिंग एक्स्ट्रा फ्यू एक्सपेरिमेंट प्रूविंग पार्टिकल एंड द वेव करेक्ट. ठीक है बच्चों तो फॉर्मली हमारा चैप्टर यहां पे खत्म होता है. एनी क्वेश्चन टू आस्क. बहुत काम किया है इस चैप्टर में बड़ा लंबा चला है. इट इज ऑलमोस्ट हमने कितना काम किया है कितनी 24 अप्रैल को शुरू किया था बच्चों. यस 24 अप्रैल या 22 अप्रैल के आसपास शुरू किया था हमने है ना. आज जाके हमने इस चैप्टर को खत्म किया है. तो आपके वो पुराने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं कि नहीं हुए. जी जरूर हो गए जो पीछे मैंने बड़े बड़ी कौन से वर्कशीट वाले या फिर न्यूमेरिकल्स. पीछे मैंने दो आपको असाइनमेंट भेजी थी परसों. हो गए सर वो तो हो गए तो गुड़िया उसको पूरा कर उसके आंसर मैंने भेज दिए थे या नहीं. भेज दिए थे तो उसमें से कोई एक क्वेश्चन मैंने ओवरव्यू में गलत किया हुआ था शायद एल के वजह से है ना. ये चुप ने मुझे भेजा था मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप के ऊपर. राइट माय डियर फ्रेंड्स. हाँ बोलो सर. नंबर ऐड कर दो सर मैंने आपको मैसेज कर दिया. दोबारा कर देना जब तक मैं तेरे को बोलना दूं ना कि मैंने कर दिया है. ठीक है सर. कर दी सर फिर से कर दिया सर. हाँ और जब तक मैं कहना दूं कि हो गया तब तक करते रहना. ठीक है बेटे कर दूंगा. बस बाय चांस दिमाग से निकल गया. मैं बहुत बिजी चल रहा था पिछला वीक मेरी क्लासेस बहुत ज्यादा हो रही थी तो अब कर दूंगा कल या आज मैं कर दूंगा मेरे बेटे. ओके सर. व्हाट यू शुड डू इज अब जब मैं ऐसे चैप्टर खत्म करूंगा जैसे अब मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म किया है तो नाउ यू मस्ट पिक द ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री बुक विच हैज बीन प्रिस्क्राइब टू यू. याद आ गया. अब आप उसको शुरू करें. मैं अगली क्लास में शुरू करूंगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और आप तकरीबन एक हफ्ता 10 दिन आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्टिव के ऊपर लगाएंगे. पीरियोडिक प्रॉपर्टी आप मेरे साथ किया करेंगे. जब मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी खत्म करूंगा मेरा अगला चैप्टर आएगा दैट इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग. देन यू विल पिक द पीरियोडिक प्रॉपर्टी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या रास्ता दे रहा हूँ. मैं बेस बनाता हुआ चल रहा हूँ. मैंने आपको काफी ऑब्जेक्टिव आगे भी डालता रहूंगा. मैं इसके भी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन आपको अपलोड कर दूंगा. तो यू शुड सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन. तो अगली क्लास में मैं थोड़े से एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम्स कवर कर दूंगा इस चैप्टर की जो हमने अभी तक नहीं की है. देन वी विल स्टार्ट विद पीरियोडिक प्रॉपर्टी. इट मे बी सर एक बार सर एक बार बता दो सर कि कौन सी बुक ले. अच्छा मैंने आपको बताई थी शायद यार. चलो दोबारा देखिए सर. मैंने सर आपने बताई थी एरेलेस केमिस्ट्री. सबसे पहले तो गुड़िया मेरे क्लास नोट जो मैं बोलता हूँ ठीक. सबसे पहले दूसरे नंबर पे द बुक इज गोइंग टू बी यूज्ड इज एनसीईआरटी. एनसीईआरटी मैं सारी की सारी अपने नोट्स के अंदर आपके डिस्कशन के अंदर हर चैप्टर की कवर कर जाऊंगा. अभी भी मैंने की है जो हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए होंगे ठीक उनको भी मैं अभी अगली क्लास में कवर कर दूंगा. ठीक बेटे. देन बेटे यू कैन बाय एनी बुक. इट मे बी सेकेंड हैंड और इट मे बी अ न्यू बुक. आपका स्कूल टीचर जो भी बोलता है. इट मे बी मॉडर्न्स ईबीसी. इट मे बी कॉम्प्रिहेंसिव और इट मे बी प्रदीप्स. और मेरे हिसाब से तो नई मत लेना. और आप चाहें तो क्योंकि आपका सारा काम यहां पे हो चुका होगा देन यू कैन सीधा गो टू द ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री. आप लोगों को मैंने बताई थी यूएसएस यूनिवर्सल सेल स्कोरर एंड दिस विल बी हैविंग टू वॉल्यूम वन एंड वॉल्यूम टू. दिस विल बी कवरिंग 11th एंड 12th बोथ. ये एक ही किताब है.
तो अग्रिम ये आपका शेड्यूल रहने वाला है बेटे, और कोई डाउट हो तो मेरे से कभी भी आप पूछ सकते हैं, ठीक okay, सर। कुछ और पूछना है बेटे? सर इस चैप्टर की एनसीईआरटी पूछने है। इस चैप्टर की एनसीईआरटी परसों अपलोड ही कर लेनी है, मैंने सारे के सारे इकट्ठे बैठ के डिस्कस करेंगे। सर उसमें एक से वो इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ गिवन था, उसमें डाउट था। कोई भी नहीं, मैं परसों आपको करवा दूंगा। उसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात कर रहा है ना? यस सर। हां ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात कर रहे हो, कोई बात नहीं, मैं कवर कर दूंगा। तो ज्यादा टेंशन वाली चीज नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, सो दैट इज व्हाई आई डिडंट टुक इट, ठीक है? यस सर। हां सर एक पुराना डाउट था सर, बोलो सर। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, वो रिलेटेड कैसे एक दूसरे से? अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं पता तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर कैसे निकलेगा? वही तो बताता है कि उसके अंदर कितने सारा सबशेल्स हैं। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है तो l की वैल्यू कितनी निकल सकती है? 0 1 2 से लेके n माइनस 1 तक। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना बड़ा है, वही तो बताया है कि 1s 2s 3s में से कौन सा बड़ा होगा, ठीक? प्रिंसिपल शेल के सबशेल है बेटे, प्रिंसिपल शेल के अंदर सबशेल सब। चलो बच्चों, सो नेक्स्ट क्लास हम वही पीसेस को जरा समेटेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के, बिट्स एंड पीसेस, एंड इसको पॉलिश करते हुए आगे निकल जाएंगे। गुड लक बच्चों, सी यू अगेन, बाय बाय, थैंक यू। ओके बेटे, टेक केयर, बाय विद्या। एक्सक्यूज मी सर। थैंक यू सर। बोलो सर, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जैसे पोलोनियम, वो पड़े पड़े खत्म हो जाते हैं क्या? हाँ जी। तो सर इसका मतलब वो डिस्ट्रक्टिव नहीं हुई उनके? हाँ, उनके पास जाने की कोशिश कर लेना तो हमें कैंसर हो जाता है, तो मैंने तो एक बार मना किया है। सर नहीं, पाथ वेव जो होती है वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होएगी फिर इसका मतलब? तेरा दिमाग इसका किस तरह से क्यों चलता है बेटे, इसका क्या लेना देना? उसमें से अल्फा बीटा गामा निकले, उसके डिस्ट्रक्टिव पार्टिकल क्या कर, क्या कहने की कोशिश कर? सर आपने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ कंस्ट्रक्टिंग ओवरलैप हो सकते हैं उसका, है ना? हाँ, अपने ऑर्बिट के अंदर। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वो अपने आप खत्म हो जाते हैं, तो वो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होती है इसकी वजह से नहीं होते खत्म? तो माता, वो इलेक्ट्रॉन अपने आप को थोड़ा खत्म करता है, वो एक्स एलिमेंट वाई जेड डब्ल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है सर। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर अपने आप को कौन से ऑर्बिट में रहेगा, ये बात थी बच्चे। और ये तो पूछ रहा कि एटम थोड़ा खत्म हो जाता है, एक बड़ा लड्डू तीन छोटों में कन्वर्ट हो गया, उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है सर, समझा? यस सर। और जबकि ये जो बात थी गुड़िया, वो थी कि इलेक्ट्रॉन अपने आप को खत्म कैसे कर सकता है, दैट वाज अनदर स्टोरी। ओके सर। ओके माय साइंटिस्ट, लव यू, बाय, टेक केयर बिटिया, गुड लक बेटे, बाय।